बिसमिल्ल रिम्स असल ह्यूमन राइट फ़ैमिली आज जो नावल रीड कर रहे हैं उसका नाम है सब कुछ तेरे नाम बाय सीमा मुनाफ़ आज सुबह से मेरा दिल जाने क्यों उदास सा था सब बहुत याद आ रहे थे अब्बा अम्मी सारे बहन भाई और वो इतने दिनों से घर से कोई खत भी तो नहीं आया था रीदा का तो हर हफ्ते खत ज़रूर मिलता था वही सब कुछ लिखा होता जो पिछले ख़तों में लिखा होता था कि मैं उसे बहुत याद आता हूँ वो मेरी वापसी के दिन गिन रही है और अब उसका मेरे बगैर किसी काम में जी नहीं लगता और मैं जल्द से जल्द आकर उसे अपने साथ ले जाऊँ अभी कहाँ मुमकिन है रिदा बीबी अभी तो जिसलिए मैं यहाँ यहाँ आया हूँ उनमें सारे काम अधूरे पड़े हैं आपा नैनीबाजी और आसिया की शादी फहद और अहद की पढ़ाई अपना आज़ाती घर जिसका हर माँ नम्मी को शायद शादी के पहले रो से था और जो अब्बा की कलील आमदनी और बच्चों की तवील कितार की तार की बिना पर मुकम्मल ना हो पाया ना हो पाया था और सबसे आखिर में मेरी अपनी शादी का नंबर आना था मुझे अपनी शादी की कोई जल्दी नहीं थी मेरे कान्धों पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ थी लेकिन यह तन्हाई यह तन्हाई मुझे मारे डालती थी मैं भरे भरे घर से यहाँ आया था आने से पहले दिनों उदास रहा था अपना घर अपने घर वाले अपना वतन और रिदा सबको यूँ छोड़ उठ जाना मुझे उठाना मुझे जैसे मुझे जज्बाती जैसे इंसान के लिए एक मुश्किल अमर था हो सकता है बहुत से दूसरे मेरी इस कैफियत पर हैरान हो अमेरिका जैसे मुल्क में अच्छी नौकरी का मिलना हमारे यहाँ हर एक का ख्वाब होता है लेकिन कुछ मुझ जैसे भी हैं जो अपने वतन की मटी इसकी खुशबू से प्यार करते हैं मेरे नज़रियात को सुनकर मेरे दोस्त गनी ने कहा था अभी यहाँ बैठे हो ना इसीलिए फजूल जज्बाती बातें सोच, सोचा करते हो वहाँ चले जाओगे तो यहाँ की हर शायद बुरी लगने लगेगी बुरी मैंने शशदर सा होकर उसे देखा था अपने वतन को बुरा कहना और दूसरे तरक्की याफ्तों ममालिक शान में कसीदे पढ़ना कम अज़ कम मुझसे मुमकिन नहीं दूसरे किसी दूसरे मुल्क की सैर को वहाँ रोज़ी कमाने के घर से जाया जा सकता है लेकिन बहरहाल हमारी जड़ें यहाँ हैं मुझे तो यहाँ की हर शायद से प्यार है अगर कुछ खामियाँ यहाँ हैं तो मुकम्मल वो भी नहीं है मैं इतना जानता हूँ कि मैं मजबूरन वहाँ जा रहा हूँ लेकिन हर हाल में लौट कर मुझे यहीं आना है कभी ना कभी मेरा लहजा कतई था वो खामोश हो गया और वाकई ये लफाजी नहीं थी अपने एक दोस्त के तवसत से मुझे वहाँ एक अच्छी नौकरी की ऑफर हुई और जब मैंने अम्मी और अबू को बताया तो वो फौरन तैयार हो गए सब घर वाले बेहद खुश थे और जाने क्यों मैं उदास हो रहा था किसी ने भी एक मरतबा भी ये नहीं कहा था कि वो सब मेरी कमी बेहद महसूस करेंगे या मेरे यहाँ ना होने पर उदास होंगे या फिर मुझे इतनी दूर नहीं जाना चाहिए और जब रिजा को पता चला तो वो तो खुशी से उछल पड़ी वाकई अशद ये, ये तो बहुत अच्छी खबर है यहाँ क्या रखा है तुम वहाँ कुछ साल आ, तुम वहाँ जो कुछ चंद सालों में हासिल कर लोगे वो यहाँ रहकर तमाम उम्र हासिल ना कर पाओगे और तुम मैंने बहुत उम्मीद से उसे देखा था मैं तो समझता था कि वो ये सुनते ही रोने लगेगी और मेरे बगैर रह ना सकने का कहकर मुझे रोकने की कोशिश करेगी लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ मेरा तो अमेरिका में रहना ख्वाब है अशर तुम तो वहाँ सेट हो जाओगे तो शादी के बाद मुझे भी वहीं बुला लेना मेरे सारे ख्वाब धड़ धड़ गिर कर चकना चूर हो गए अमेरिका में रहना उसका ख्वाब था मैं तो समझता था कि वो मेरे साथ रहने को तरजीह देगी चाहे मैं उसे कहीं भी रखूँ इसके लिए मुझे सालों दरकार होंगे सब जिम्मेदारियों से फारिग होकर ही मैं शादी करने की पोजिशन में आ सकूँगा मेरा ख्याल था वो इतने सालों का सुनकर परेशान हो जाएगी लेकिन ऐसा ना हुआ कोई बात नहीं मुझे अभी शादी की कौन सी जल्दी है फिर बंदा पहले इस्टेब्लिश हो तब शादी करनी चाहिए शादी के बाद हज़ारों झंझट और झकझक से निजात मिल जाती है और जो अगर मैंने वहाँ किसी को पसंद कर लिया तो मुझे इल्ज़ाम ना देना मैंने उसे डराया ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे यकीन है उसके अ... आवाज़ में यकीन था यानी वो जानती थी कि मैं उसे नज़रअंदाज करके कहीं और नहीं जा सकता और ये कुछ गलत भी नहीं था उसका होश उड़ा देने वाला हुसन ऐसा ही था हर रंग और रूप में वो इस कदर मुकम्मल नज़र आती थी कि मैं हर बार उसे यूं देखता जैसे पहली ही बार देख रहा हूँ हर मुलाकात में चंद सानियों तक मैं महूत होकर उसे देखता रहता तो वो मकरूर सी हो जाती क्या देख रहे हो इस तरह मेरे इस तरह दे तकने पर उसका ये मखसूस सवाल होता यार इस तरह यूँ मेरे सामने मत आया करो मेरा ईमान मुतजलजल होने लगता है मेरी इस बात पर उसकी चंपई रंगत में गुलाबियाँ से खिल जाती बेकार बातें मत किया करो वो एक नाच से कहती हालांकि उसकी आंखों में साफ लिखा होता कि मेरा ये इतराफ़ उसे बहुत अच्छा लगा था अपने चाहने वाले के मुंह से तारीफ़ किसे बुरी लगती है उसे भी क्यों लगती वो अच्छी तरह समझती थी कि वो मेरे लिए कितनी नागुजीर है और अब उसे छोड़कर इतनी दूर इतने सालों के लिए जाना कितना अजाब लग रहा था लेकिन बाज़ मरतबा हमें मजबूरन वो कुछ भी करना पड़ जाता है जिसके लिए दिल दिलो जहन कहीं राजी ना हो आपा और नैनी बाजी के लिए आए रिश्ते हमारे घरों और हालात को देखकर वापस लौट जाते थे इन दोनों के बाद मैं था फहद और राहत से बड़ा अब्बा और अम्मा के साथ मुझे भी इनकी शादियों की फिक्र थी लेकिन मेरी तालीम आड़े आ जाती फिर जो ही मेरी तालीम मुकम्मल हुई मुझे चंद एक अच्छी ऑफर्स हुई लेकिन मेरे वाले चाहते थे कि मैं छोटी मोटी नौकरी पर इतफ़ा ना करूँ उन्होंने मेरी तालीम मुकम्मल होने का बड़े सब्र से इंतज़ार किया था इन्हीं दिनों मेरे बचपन के दोस्त अहमदन ने मुझे लिखा कि यहाँ कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए चंद अच्छी आसामियाँ निकली हैं मेरा तालीमी रिकॉर्ड बेहद अच्छा है इसलिए मुझे यहाँ आने की कोशिश करनी चाहिए यूँ मैं कुछ कोशिशों से यहाँ चला आया इस सिलसिले में अब्बा काफ़ी कर्ज़दार हो गए थे और मुझे सबसे पहले उसे उतारना था मेरी जॉब बेहद अच्छी थी चंद सालों में ही यकीन सब के खाब पूरे हो जाने थे लेकिन मेरा ख्वाब मैं अक्सर सोचता यह मेरा ख्वाब नहीं था सब अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर्स मेरे मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाकर क्यों सेट हो जाते हैं क्या मेरे वतन को इनकी ज़रूरत नहीं है मैं यकीन ऐसा नहीं करूँगा लेकिन मेरे सारे इरादे मिट्टी के घरोंदों की तरह बैठते चले गए क्या यह पैसा वतन की मिट्टी की खुशबू से ज़्यादा ज़रूरी और अहम होता है तनहाई में अक्सर मैं खुद से सवाल करता और सवाल डिप्रेशन के मज़ीद बढ़ने के मुझे आ, कुछ हासिल ना होता यहाँ शिकागो में तन्हाई और बे इनतहा सर्दी के सिवा मेरे लिए कुछ नहीं था अहमर भी कुछ अरसे मेरे साथ रहा था फिर उसका ट्रांसफर वाशिंगटन हुआ तो मैं मजीद तनहा हो गया उस उस रोज़ भी घर की खामोशी से घबरा कर मैं बाहर निकल आया जदीद सर्दियों की आमद थी हर तरफ सूखे पत्ते उड़ते हुए नज़र आते थे हमारे अपार्टमेंट के कंपाउंड में मौजूद तालाब के बक्तें भी सर्दी की वजह से एक जानी बैठी थी गर्मियों में यहाँ अच्छा खासा रश रहता था बच्चों की चहकार बड़ों की चहल पैर और मुख्तलिफ जोड़ों की हंसी से यहाँ एक रौनक सी रहती थी शाम के वक्त मैं यहाँ बैठ कर काफी हद तक अपनी तनहाई को बेहला लिया करता लेकिन इस वक्त कहीं कोई नज़र ना आ रहा था लेकिन इस वक्त कहीं कहीं कोई नज़र आ रहा था क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ साफ उर्दू में पूछे कि इस सवाल ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया अजनबी मुल्क में अपनी जुबान अपना लिबास और अपने लोगों को देख कर कितनी खुशी होती है इसका एहसास वही लोग कर सकते हैं जो इससे दो चार होते हैं मैंने सर उठाकर देखा वो सामने ही खड़ी थी चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए अपने दोनों हाथों को गर्म लेदर की जैकेट की जेबों में घुसाए वो यकीन और मुकामी नहीं थी जी ज़रूर मुझे खुशी होगी मैंने भी गर्म चशी का मज़ाहरा किया मैं बहुत देर से आपको देख रही थी आप तनहा भी हैं और उदास भी उसने बैठते हुए कहा शायद मैंने मुख्तरा कहा लेकिन आपने ऐसा क्यों महसूस किया आपके चेहरे पे लिखा है आपको इस वक्त शिद्दत से अपना वतन अपने घर वाले याद आ रहे हैं उसकी बात पर मैं हैरान रह गया हैरत अंगेज़ क्या आप चेहरों को पढ़ने में माहिर हैं मुझे इसका दावा नहीं है लेकिन यही कैफियत मैंने अक्सर और बेशतर अपने पापा के चेहरे पर देखी है बहुत जानी पहचानी है ये कैफियत मेरे लिए और आज बहुत दिनों बाद मैं इसे आपके चेहरे पर देखा तो फ़ौरन पहचान गई आपके पापा आप पाकिस्तानी हैं मैंने कुछ पूछते पूछते सवाल पलट दिया जी हाँ मेरे पापा पाकिस्तानी थे मेरी मामा का ताल्लुक इंडिया से है लेकिन उनके पेरेंट्स पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ आकर सेटल हो गए थे और आप मैं तकरीबन आठ माह पहले यहाँ आया हूँ कराची मेरा आबाई शहर है वहाँ मेरे वालदेन और बहन भाई होते हैं मैंने बताया और आप उन सबके लिए उदास थे वो मुस्कुराई यहाँ का मौसम सर्दियों की आमद बंदे को माहौल की वजह से वैसे भी ख़ौम का उदास कर देती है फिर जब इंसान तनहा भी हो क्यों आपने यहाँ दोस्त नहीं बनाए अब तो आपको इधर आए काफ़ी दिन हो गए हैं इसमें भी मेरी कोताही है शायद मैं ज़रा मुश्किल से दूसरों से घुलता मिलता हूँ फिर मेरा दोस्त अहमर था यहाँ तो वक्त का पता नहीं चलता था लेकिन उसके जाने के बाद एहसास हुआ कि दोस्त कितने ज़रूरी और अहम होते हैं बिल्कुल और ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप एक अजनबी जगह पर तनहा हो इंसान को किसी भी वक्त एक साथी की ज़रूरत पड़ सकती है खैर मैं भी इसी अपार्टमेंट में रहती हूँ आपको जब मेरी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ उसके पुरखलूस लहजे ने मुझे मुतासर कर दिया शुक्रिया वैसे आप शुरू से यहाँ हैं लेकिन आपकी उर्दू बहुत अच्छी है मेरे पापा मुझसे हमेशा उर्दू में बात किया करते थे इसके अलावा उन्होंने मुझे उर्दू पढ़ना और लिखना भी सिखाया उसके चेहरे पर हुजन सा फैल गया आपके पापा अब मैं पूछते पूछते रुक गया पिछले साल उनका इंतकाल हो गया उन्हें लीवर कैंसर हो गया था वो पाकिस्तान वापस जाना चाहते थे अपनों के पास लेकिन मम्मा किसी तरह राजी नहीं हुई ना मुझे उनके साथ जाने दिया और पापा मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते थे यूं वो दिल की आरजू दिल में लिए इस दुनिया से चले गए उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे आई एम सॉरी मैंने आपके ज़ख्मों को छेड़ दिया मुझे अफसोस होने लगा नहीं आज कितने दिनों बाद मैंने किसी से अपने पापा की बातें की हैं उसने आहिस्त से अपनी पल पोंछ ली और आपकी मम्मा छोड़ें आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं हम दोनों भी कैसे हैं कितनी देर से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और एक दूसरे का नाम तक तो नहीं पूछा उसने जैसे जान बूझ कर मेरा सवाल नज़रअंदाज कर दिया मेरा नाम अशद है अशद रिजवानी मैं राबेल अली हूँ उसने कहा फिर मुझे अपने अपार्टमेंट का नंबर दिया मुझे खुशी हुई उसका अपार्टमेंट मेरे अपार्टमेंट से करीब ही था यूँ हम लोग इस सर से शाम एक दूसरे के लिए अच्छे एहसास लिए रुखसत हो गए उस रात जब मैं रिदा को खत लिखने बैठा तो उसके बारे में लिखते लिखते रुक गया जाने रिदा क्या समझ समझ बैठे वो इतनी दूर है यह एक पाकिस्तानी लड़की से मेरी दोस्ती उसे गलत सोचने पर मजबूर कर सकती थी और मैंने अपना इरादा बदल दिया हमारी अगली मुलाकात उसी जगह हुई यह उसे चंद रोज बाद की बात है मैं इस रोज़ फिर कंपाउंड में आया तो उसे सामने बेंच पर बैठे देख कर ठुटक गया मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक शनासा सी मुस्कुराहट फैली फिर मादूम हो गई मुझे लगा जैसे वो रोज़ाना यहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार करती रही थी और मुझे वहाँ ना पाकर मायूस हो जाती थी लेकिन अगले ही लम्हे मैंने उस ख्याल को जहन से झटक दिया कैसी हैं आप मैं दोस्ताना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए वहीं बैठ गया ठीक हूँ आप कैसे हैं उस दिन के बाद नज़र ही नहीं आए उसने सादगी से पूछा बस मेरे ऑफ़िस टाइमिंग कुछ ऐसे ही हैं। इन दिनों तो मेरे ऑफ़ डेज से इसी लिए फिर वैसे भी सर्दी इतनी शदीद है कि बेकार बाहर निकलने को जी ही नहीं चाहता आजकल तो बस फारिक अवत में बिस्तर अच्छा लगता है और कॉफ़ी मैंने बताया आपको कॉफ़ी पसंद है मेरी बात पर वो मुस्कुराई बेहद नै, नैनी बाजी बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हैं नैनी बाजी मेरी बड़ी बहन है वहाँ मैं रात के खाने के बाद ज़रूर उनसे कॉफी बनवा कर बिया करता था खैर यहाँ तो कॉफ़ी सिर्फ शौक़ नहीं बल्कि जरूरत ज़्यादा है हाँ वहाँ कराची में तो सर्दी बेहद कम पड़ती है आपकी मालूम बिल्कुल दुरुस्त हैं मेरे पापा भी कराची के रहने वाले थे मेरा तो दयाल वहीं है अब तो जैसे सब ताल्लुक ख़त्म हो गया है आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाती मैंने पूछा तो वो अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी जब पापा ही नहीं रहे तो वो होते तो उनके साथ पाकिस्तान जाना मेरी अवलिन ख्वाहिश थी खैर छोड़िए आप अपने घर वालों के मुतालिक बताइए सॉरी उसे एकदम कुछ ख्याल आया तो रुक गई मैं कहीं पर्सनल तो नहीं हो गई नहीं ऐसी कोई बात नहीं मैं उसे सब के मुतल बताने लगा तो वो बेहद दिलचस्पी से सुनती रही सर्दी एकदम से बढ़ गई थी गर्म कपड़ों के बावजूद मुझे सर्दी बेइंतहा महसूस हो रही थी वो तो खैर आदि थी लेकिन मेरे लिए इतनी सर्दी बहुत ज़्यादा थी मेरा ख्याल है अब उठते हैं फिर मुलाकात होगी मैंने उठते हुए कहा तो वो भी उठ खड़ी हुई अगर मेरे अपार्टमेंट तक तक चलें तो मैं आपको बहुत अच्छी सी गर्म कॉफ़ी पिलवा सकती हूँ मामा से भी मिल लीजिएगा फिर कभी अभी तो बस बिस्तर में घुसकर सोने को जी चाह रहा है इतनी जल्दी उसे कुछ हैरत हुई इतनी शदीद सर्दी में सवाई गर्म बिस्तर के बंदा और कुछ कैसे सोच सकता है उसके सवाल पर मैं मुस्कुराया ओके आपको सर्दी ज़्यादा ही लगती है शायद अच्छा अल्लाह हाफिज़ वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई और मैं भी अपने अपार्टमेंट में आकर बिस्तर में घुसकर टीवी से दिल बहलाने लगा अम्मी का ख़त आया था उन्होंने लिखा था कि आपा का एक अच्छा रिश्ता आया हुआ है और वो लोग दो तीन माह तक शादी करना चाहते हैं आपा का जहेज़ तो काफ़ी हद तक तैयार था कुछ तैयारियाँ मेरे यहाँ आने के बाद अम्मी ने कर ली थी मैं सिर्फ अपने खर्चे के लिए एक ज़रूरी रकम रखकर रक बाकी सब पाकिस्तान भिजवा दिया करता था यहाँ बचाने वाली रकम में से भी मैंने कुछ पैसे अंदाज़ किया हुआ था फिर शाम में भी मैंने एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब कर ली मैं चाहता था कि शादी से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अम्मी को भिजवा सकूँ ताकि आपा की शादी में कोई कमी ना रहे उस रोज भी अपने ऑफिस से उठ मैं स्टोर पर चला आया ये एक बड़ा जनरल स्टोर था जहाँ जरूरी की हर शायद दस्याब थी इसका मालिक एक इंडियन था मेरे हाथ कंप्यूटर की बोर्ड पर तेज़ी से चल रहे थे कि रुक गए राबेल अपनी ट्रॉली के साथ सामने ही खड़ी थी आप यहाँ उसने हेलत से मुझे यहाँ देखा क्योंकि मैं उसे अपनी असल जॉब के बारे में बता चुका था जी पार्ट टाइम जॉब शुरू की है चंद रोज़ पहले वक्त भी ठीक कट जाता है पैसे भी मिल जाते हैं और बोरियत की वजह से बाहर सर्दी में ख्वार भी नहीं होना पड़ता मेरे हाथ फिर से चलने लगे थे गुड लेकिन इतनी लंबी वर्किंग से आप जल्दी थक जाएंगे उसने हमदर्दाना अंदाज में कहा इतनी आसानी से नहीं फिर मैं जिस मकसद के लिए, फिर मैं जिस मकसद के लिए आ, फिर मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आया हूँ वो पूरा होना चाहिए ओके चलती हूँ फिर वो अपना सामान चेक करवाने के लिए जाने लगी फिर एक लम्हे को रुकी संडे को तो फारिग है ना आप हाँ मैं इस बात का कायल हूँ कि बंदे को पूरा हफ्ता मेहनत करने के बाद एक दिन आराम का हक जरूर मिलना चाहिए ओके okay, फिर संडे को लंच आप हमारे यहाँ करेंगे टोटली पाकिस्तानी फूड अब क्यों ख़्वा मा इतनी जहमत मैंने कहना चाहा लेकिन उसने बात काट दी नो no फॉर्मेलिटी आप आ रहे हैं मैं इंतज़ार करूंगी मामा भी आपसे मिलकर खुश होंगी वो फौरन वहाँ से चली गई और मैं फिर से अपने काम की जानी मुतवजा हो गया तीन दिन बाद ही एतवार था मैं देर से सोकर उठा नाश्ते के बाद फिर से सुस्ती सवार होने लगी मैं दोबारा बिस्तर में घुस गया और जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई टेलीफ़ोन की तेज बल पर मेरी आँख खुली जाने किसका फ़ोन है मेरा जहन मुकम्मल तौर पर गुनदगी में था उसी हालत में मैंने फ़ोन उठाया क्या आपको दूसरों को इंतज़ार कराने की आदत है राबेल की नरम आवाज़ कानों में उतरी तो मेरी नींद या लक भाग गई मैंने वॉर् क्लॉक की जानब नजरें दौड़ाई घड़ी की सोईयाँ पौने तीन का वक्त बता रही थी मुझे शर्मिंदगी ने घेर लिया सॉरी मुझे याद नहीं रहा था कि कोई बात नहीं मेरी कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं लेकिन मेरी मामा इतनी देर से लंच नहीं करती वो हर काम वक्त पर करने की आदी हैं ओह तो क्या वो भी इंतज़ार कर रही हैं रेली एक्सट्रीमली सॉरी राबेल मैं मजीद शर्मिंदा हो गया नहीं थोड़े इंतजार के बाद वो लंच कर चुकी हैं लेकिन मैं ओके okay, बस मैं दस मिनट में पहुंचता हूं मैंने उसके बात काट कर फ़ोन रख दिया और वाकई पूरे दस मिनट बाद मैं उसके अपार्टमेंट की कॉल बेल बजा रहा था दरवाज़ा खोलने वाली वही थी एक लम्हे को मुझे लगा जैसे मैं पाकिस्तान में खड़ा हूं शलवार कमीज़ और बड़े से दुबट्टे में उसका वजूद बहुत नया लेकिन अच्छा लग रहा था वो मुझे अंदर ले आई अंदर का माहौल हीटर्स की वजह से काफ़ी गर्म था मैंने अपनी गर्म जैकेट उतार दी पहले खाना खाते हैं फिर कॉफ़ी पियेंगे तब तक मामा भी उठ जाएंगी तब मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी वो खाने की मेज़ की जानी भरती हुई बोली तो मैं गर्दन हिलाकर रह गया वैसे भी मुझे अब भूख लगने लगी थी खाने की मेज़ पर चुने हुए खानों को देखकर मैं हैरान रह गया खाने की मेज़ मुख्तलि पाकिस्तानी खानों से सजी हुई थी ये सब कुछ आपने तैयार किया है या फिर खाने के डब्बों से सफ़ादा हासिल किया है मैंने हैरत से पूछा नहीं मैंने खुद बनाए हैं पापा को पाकिस्तानी फ़ूड पसंद था फिर सारे खानों के मसाले तो तैयार मिल जाते हैं आजकल इनकी मदद से खाना तैयार करना कौन सा मुश्किल काम है मुझे बैठने का इशारा करते हुए वो खुद भी बैठ गई लेकिन डब्बों से खाना बनाना भी तो हर एक को नहीं आता खैर पहले खा कर देखेंगे फिर आपको बताएंगे कि आपने कितना कमाल किया है बहरहाल आपने तो बहुत अहतमाम कर लिया इतनी बहुत सी चीज़ें आज बहुत दिनों बाद मैंने घर में खाना तैयार किया है और ना फास्ट फूड खा खा कर तो दिल भर गया है हाँ यहाँ आकर मुझे सबसे ज्यादा आपा के हाथ के दाल चावल और हरे मसाले की चटनी याद आती है मेरा तस्वीर एक बार फिर उड़कर पाकिस्तान पहुंच गया वाकई वो खुश हो गई दाल चावल तो मुझे भी दाल चावल तो मुझे भी बहुत पसंद है मैंने पापा से सीखा था किसी रोज बनाऊंगी दाल चावल एक ऐसा खाना है जो बंदा रोज खा सकता है मैंने कहा ठीक कहा आपने हम लोग खाने के दौरान यूं ही इधर उधर की बेमकसद बातें करते रहे खाने के बाद वो कॉफ़ी बनाकर ले आई आपके यहाँ आकर मुझे यह कतई नहीं लग रहा कि मैं विदेश में हूँ ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही वतन में अपने किसी अजीज के घर आया हुआ हूँ मैंने कॉफ़ी के दौरान खुले दिल से एतराफ़ किया मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि हमारा घर एक पाकिस्तानी घर से मुशाबा हो दूसरा मैं मुकम्मल तौर पर एक पाकिस्तानी लड़की लगूँ जवाबन उसने बताया और आपकी मामा वो ज़रा मुख्तफ़ हैं उन्हें पाकिस्तान से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है जाहिर है उनके आबाओ और वो ख़ुद काफ़ी अरसे से यहाँ रहते हैं फिर अगर पिछला कोई ताल्लुक है भी तो वो इंडिया से है तब तक पाकिस्तान नहीं बना था इसलिए वो कभी पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं हुई उन्हें डर था कि अगर पापा एक बार पाकिस्तान चले गए तो वहाँ के लोग वहाँ की मट्टी उनके कदम रोक ना लें इसलिए वो हमेशा इसके मुखालिफ रहीं खैर अब तो वो फिर से अफसुदा होने लगी और आप आपका जी नहीं चाहता कि इस शहर को देखें जहाँ पल भर कर आपके पापा जवान हुए आपके दादा दादी चचा पोपी वगैरह कौन कौन है वहाँ मैंने पूछा सब हैं मेरे पास एड्रेस भी हैं वहाँ का लेकिन मम्मा को अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ फिर इन सबको क्या बताऊँगी पापा के ना होने का गम कैसे सहेंगे सब बकोल पापा के बे बेटा किसी को भी मेरे मरने की खबर मत देना अभी उन्हें इतमिन इतमान तो है कि मैं जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ मेरी माँ नहीं सहार सकेंगी यह सदमा पापा सालों में कभी उन्हें खत लिखा करते थे इसलिए मैंने भी अभी तक इन्हें खत भी मैंने उन्हें अभी तक ख़त नहीं लिखा लेकिन जब पापा के बजाय मेरा खत जाएगा तो उन्हें तशवीश तो होगी आपको उन्हें लिख देना चाहिए ताकि आपके पापा की मफफरत के लिए वहाँ दुआ की जा सके क्या आपने और आपकी मामा ने कभी कुछ पढ़ा उनके लिए मैंने अचानक पूछा तो वह शर्मिंदगी से सर झुका कर रह गई मरने के बाद औलाद का अपने वाले के लिए उनकी मफफरत के लिए दुआ करना और पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है मरने वाले के अजाब कम और ख़त्म कर दिए जाते हैं सारी उम्र उन्होंने क्या सारी उम्र उन्होंने किया होगा आपके लिए अब वो आपके मोहताज हैं मुंतज़िर हैं उनकी मकसरत के लिए दुआ किया करें ज़रूर पढ़ा करें मैं उसे समझाने लगा उसी वक्त कमरे के दरवाजे के पास आहट सी हुई वो यकीन राबेल की ममा थी उन्हें देखकर मुझे मायूसी सी हुई वो उससे कतई मुख्तफ नहीं यहीं के माहौल और रंग में रंगी हुई खालिस्तान एक अमेरिकन खातून लग रही थी वालेकुम मैंने तजीमन खड़े होते हुए कहा मुझे अफसोस है कि आपको मेरी वजह से इंतज़ार की जहमत उठाना पड़ी ऐसी कोई बात नहीं मैंने वक्त पर खाना खा लिया था मैं इसकी यादी नहीं हूँ अजीब अखरसा लहजा था मैंने देखा अपनी मामा के रवैये और अंदाज़ पर राबेल को शर्मिंदा सी थी मैं उसके लिए आपसे दोबारा माफ़ी चाहता हूँ दरअसल मैं कुछ देर के लिए लेटा था नींद आ गई तनहा रहता हूँ इसलिए किसी ने उठाया भी नहीं मैंने वजाहत की अब मेरा दिल भी वहाँ मजेद रुकने को नहीं चाह रहा था ओके राबेल अब मैं चलता हूँ आपका खाना बहुत पुरुष था इसके लिए बहुत शुक्रिया फिर मैंने उसकी ममा से इजाज़त तलब की और वहाँ से चला आया मुझे राबेल की मामा को देख कर हकीकता हैरत हुई थी वो राबेल से हर लिहाज से मुख्तफ थी यकीन राबेल अपने वालिद की तरह थी काफ़ी दिन गुजर गए इन दिनों में काफ़ी उदास था शिद्दत से याद आती थी रात में जब भी सोने के लिए लेटता उसका वजूद छम से मेरे नज़दीक आकर बैठ जाता फिर मैं अपने तस्वुर से बातें करते करते जाने कब सो जाता बचत करने के चक्कर में अब तक मैंने सिर्फ दो मरतबा घर बात की थी रिदा से बात करने को जी बहुत चाहता था लेकिन एक तो मुझे मालूम नहीं था कि वो किस वक्त घर में मौजूद होती है दूसरे हमारे ताल्लुक का उसके घर वालों को भी मालूम नहीं था जाने मेरे फ़ोन पर वो क्या सोचते खत भी मैं उसे उसकी एक दोस्त की मार्फ़त भेजता था लेकिन इस बार जब उसका खत आया तो उसने लिखा कि उसने एक ऑफ़िस में जॉब कर ली है उसने वहाँ का पता और फ़ोन नंबर भी लिखा था तब मैं खुद को बाज़ ना रख सका मेरी आवाज़ सुनकर एक लम्हे को तो वह गंसी हो गई उधर से मैंने उसे पुकारा था रिदा ये मैं हूँ कैसी हो तुम बोल क्यों नहीं रही वाकई अशद ये तुम हो तुम कितने दिनों बाद सुनी तुम्हारी आवाज़ कैसे हो तुम मुझे भूले तो नहीं वो जैसे होश में आ गई थी मैं भूल सकता हूँ तुम्हें ये कैसे सोचा तुमने तुम तो हर सांस के साथ याद आती हो क्यों दूर कर दिया तुमने मुझे खुद से एक बार भी रोक लेती तो मैं कभी ना यहाँ आता मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ यहाँ दिन तो कट जाता है लेकिन शाम से रात और रात से सुबह करनी मुश्किल हो जाती है मैं जज्बाती होने लगा तो फिर मुझे बुला लो ना वहाँ आओ और आकर ले जाओ उसकी आवाज़ में शरारत थी रफ्तगी थी काश काश अभी ऐसा मुमकिन होता दिल चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग आऊँ वहाँ मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर तुमसे इतनी दूर कुछ दिनों की बात तो है अर्शद तुम अपने मसाइल से फारिग हो हो लो, फिर मुझे आकर ले जाना फिर हम दोनों होंगे और बस मैं अपने मसायल से निबट कर दोबारा यहाँ क्यों आऊँगा मुझे लौटना है वहीं अपने असल की तरफ यहाँ कुछ नहीं रखा रिता रूखे फीके रोट जैसी जिंदगी गुजारने वाले लोग ना गर्म जोशी ना मोहब्बत की गर्मी ना रिश्तों का तकद्दस बेराह रवि इतनी की शर्म से गर्दन झुक जाए तुम अभी तक वैसे ही हो मैंने सोचा था कि वहाँ रहकर तुम्हारे ख्याल बदल जाएंगे उसका लहजा मायूस हो गया जैसे उसे मेरे ख्याल सुनकर अफसोस हुआ हो मैं यहाँ अपने हालात बदलने आया था ख्याल बदलने नहीं बहरहाल तुम सुनाओ कैसी हो मैंने मोजो तब्दील करते हुए कहा ठीक हूँ बस अब फ़ोन बंद करो इतना बिल बन रहा है सब जमा पूंजी लगा दोगे क्या मुझे लगा उसकी आवाज़ में रूखेपन के साथ साथ तंज भी उभर आया था रिधा तुम्हारे लिए मैं ज़्यादा अहम हूँ या आसाइशें मैंने ना जाने क्यों पूछ लिया हालांकि अब यह सवाल गैर ज़रूरी था कि हमारी मोहब्बत अब इस नहज पर पहुँच चुकी थी कब आपसी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन थी मोहब्बत दुनिया की अहम शायर सही अशद लेकिन मोहब्बत को खाया और पिया नहीं जा सकता फिर अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तमन्ना करना और कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं जाने तुम क्यों खाम खा जज्बाती हो जाते हो बहरहाल इतनी दूर से यह बेकार बेकार बहस करना अक़लमंदी नहीं है मैं ख़त लिखूँगी तुम्हें ताकि अपना नुकसान नज़र वाजें कर सकूँ ठीक है हाफिज मेरा मज़ीद कोई बात करने को जीना चाहा तो फ़ौर फोन बंद कर दिया और इसी रोज रिदा से बात करके मेरी तन्हाई और उदासी दूर होने के बजाय मजीद बढ़ गई फिर अगले रोज़ अचानक ही अहमद चला आया तो मैं अपनी सारी उदासी सारी गोश्त भूल गया खबीस आदमी मुझे यहाँ बुलाकर खुद भाग गया कहीं और, और यहाँ तनहाई और सर्दी ने मार डाला है मुझे मैंने उसे गले लगाते हुए क्या, कहा सर्दी तक तो ठीक है लेकिन तन्हाई हद हो गई यार इतने दिनों में उसे भी ख़त्म ना कर सके तुम तन्हाई दूर करने का सामान तो यहाँ हर जानब बिखरा पड़ा है उसने एक आंख दबाई फजूल नहीं मैं ये सब कुछ करने नहीं आया यहाँ मैंने उसे घूरा सारी ज़िंदगी घोंचू ही रहना वो बड़बड़ाया शराब खाने में बैठ भी ना चखने वाला अहमद ही कहलाए गाना बात तो तभी है ना इतना बातियार तो होना चाहिए बंदे को मैं मुस्कुराया अपने नफ्स को मारकर गाजी कहलाने का कोई शौक़ नहीं है हमें हमें तो इस मैदान में शहीद हो जाना पसंद है भाई अपनी अपनी सोच है कि यार क्या पियोगे क्या खाओगे आज तुम मेहमान और हम मेज़बान सारा दिन अपना है मैंने उठते हुए पूछा मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ तब तक खाने को जो मिल जाए वो बाथरूम की जानब जाते हुए बोला तो मैं उठकर किचन की जानब चला आया यहाँ आकर मैं काफ़ी हद तक सुगड़ हो गया था जब बंदे को सारे काम खुद करना पड़े तो माँ बहनों का नाज नखरे उठाना बहुत याद आता है इस वक्त मैं अगर पाकिस्तान में होता तो आपा या नैनी बाजी को चाय और खाने का कहकर अपने दोस्त को ड्राइंग रूम में लेकर मज़े से बैठ जाता आज मेरे दोस्तों से बहुत उकताती थी उसे काम करना बहुत बुरा लगा करता था कभी जो अगर आपा या नैनी बाजी किसी काम में मसरूफ होती और चाहे उसे बनाना पड़ जाती तो उसकी बड़बड़ाहट शुरू हो जाती थी इस बात पर उसे अम्मी से बहुत डांट पड़ा करती थी लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर थी हालांकि बेचारी आपा ने तकरीबन पूरा घर संभाल रखा था हम सब फैलाने में माहिर थे और उन्हें घर में फैली गंदगी या चीज़ें एक मिनट बर्दाश्त नहीं होती थी सर्दी की रातों में हम सब बहन भाई बड़े कमरे में जमा हुआ करते कंबल और रहाफ़ों में घुसकर टीवी देखा करते और मूँगफलियाँ खाया करते आपा चाय बना बना कर और चीज़ें समेट समेट कर थक जाती लेकिन हम पूरे कमरे में हुल्लड़बाजी करते करते नहीं थका करते यहाँ से वहां तक फैले बिस्तर मूंगफली और चरगोजम के छिलके चाय की प्यालियाँ और टीवी की आवाज़ के साथ हमारी बुलंद आवाज़ में हंसी फिक्रे और तबसरे अम्मी तंग आ जाती अब्बू डांटते रहते लेकिन हमारे कानों पर जू नहीं रींगती ज़िंदगी कैसे जागा करती थी हमारे छोटे से घर में छह बहन भाई अम्मी अबू और दादी अम्मा हर वक्त यूँ लगता जैसे घर में कोई तकरीब है या खुदा किस कदर शोर करते हो तुम लोग और कितना फैलाते हो आपा बढ़ बढ़ाती ए हे लड़की क्यों टोकती है खुदा आ, खुदा भरा रखे मेरे घर को इनकी आवाज़ों से ही तो रौनक है दादी अम्मा जल्दी से टोकती जी हाँ आपको समेटना पड़े हर वक्त ना फैलाने को सब हैं समेटता कोई नहीं पूरे घर को मछली बाजार बनाए रखते हैं सुबह सुबह सिमट जाएगा बेटा इस वक्त कौन आ रहा है अम्मी भी बोलती हाँ और जो कोई आ जाए तो वो यहां से वहां तक कमरे पर नजर डालती जहां यूं लग रहा होता गोया जंगे प्लासी लड़ी गई हो ए, बेटा इंसानों से ही रौनक होती है वरना सीमेंट पत्थर से बना घर खाली मकान ही होता है दादी अम्मा फलसफा बोलती वैसे भी कोई नहीं आता यहाँ किसको परवाह है हमारी अवन लापरवाही से बोलता और क्या महीनों को झांकता तक नहीं है फहद भी हाँ में हाँ मिलाता किसी को क्या पड़ी है यहाँ आकर झांकने की ना तवीलों अरीज़ घर ना वसीलों और न डाइनिंग टेबल उमदा खानों से भरी हुई नैनी बाजी को अपने रिश्तेदारों से हमेशा यही शिकवा था कि उनसे मिलने नहीं आते क्योंकि हम लोग इन सबसे माली तौर पर काफ़ी कम थे आपस में हंसे बोले नहीं तो क्या दीवारों से सर फोड़े आस के के डर से आहिस्गी से कहती मेरी बला से तुम लोग पूरे घर की चीज़ें उलट डालो मेरी तोबा जो आइंदा कुछ समेटूं आपा को सख्त गुस्सा आ जाता लेकिन हम सब जानते थे कि वो अपनी आदत से मजबूर हैं ना तो उन्हें फारिक बैठना पसंद था और ना ही फैली हुई चीज़ें उनसे बर्दाश्त होती थी हाँ कितना अच्छा वक्त था वो मैंने ठंडी सी सांस भरी प्यारी आपा इस वक्त आप यहाँ होती तो मैं मज़े से आपको कहकर अहमद के साथ ड्राॅइंग रूम में बैठा होता लेकिन आप यहाँ कहाँ कितना फासला हो चला है हमारे दरमियान तुम्हारे पाए बन चुके हों तो ले आओ भाई सर्दी से दांत बज रहे हैं अहमद की आवाज़ सुनाई दी तो मैं जैसे वापस लौट आया जल्दी 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 सारे स्नैक्स ट्रे में रखे कॉफ़ी के मग रख कर मैं वापस अपने कमरे में चला आया शाम में निकलते हैं बाहर क्रिसमस की वजह से बाहर बड़ी रौनक है कॉफ़ी का मग संभालते हुए एम्बर ने कहा हाँ चलते हैं हालांकि क्रिसमस में अभी काफ़ी दिन पड़े हैं लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हैं हमारे यहाँ भी ईदों पर ऐसा ही मंजर होता है लेकिन वो रौनक ही अलग होती है यार पता नहीं यहाँ ईद कैसी लगती होगी ईद में भी अभी अब कुछ ही दिन बाकी हैं यहाँ के पाकिस्तानी और इंडियन बाज़ारों की रौनक देखने के काबिल होती है इन दिनों मेहंदी चूड़ियाँ सोइयाँ ईद के सारे ही लव, लवाजुमात मिलते हैं वहाँ चलो रात में वापसी में साबरी होटल की निहारी खाते हुए आएंगे अहमद ने कहा उसी वक्त टेलीफोन की बेल बजने लगी मैंने रिसीवर उठाया दूसरी जानी जानबराबेल थी जो मुझे रात के खाने की दावत दे रही थी अरशद मैंने निहारी बनाई है आज आज खाना यहीं खाएं थैंक यू राबेल लेकिन मेरा दोस्त अहमर आया हुआ है वाशिंगटन से इतफाक़ इत से हमारा अभी रात को बाहर निहारी खाने का ही प्रोग्राम है फिर कभी सही अरे तो आप उन्हें भी ले आए मुझे खुशी होगी आपके दोस्त हमारे भी मेहमान हैं फिर कभी सही राबेल आपका शुक्रिया मैंने नरमी से इनकार करके फ़ोन रख दिया जाने क्यों मैं अहमर को वहाँ ले जाना नहीं चाहता था वैसे तो वो अच्छा लड़का था लेकिन लड़कियों के लिए उसकी सोच जरा मुख्त थी जबकि राबेल काफ़ी सुलझी हुई मतीन सी लड़की थी इतने दिनों में मैंने महसूस कर लिया था कि यहाँ के माहौल ने उसकी मशर की कदरें नहीं खोई थी कौन थी अहमद ने मुझे घूरा मुझसे तो कहा जा रहा था कि तनहा हूँ कोई दोस्त नहीं यहाँ जाने तुम क्या समझ रहे हो मुश्किल से तीन चार बार मिला हूँ पाकिस्तानी लड़की है इंतहा शरीफ और हमदर्द बस उससे ज्यादा नहीं जानता उसे ना कोई ताल्लुक है तुम्हें तो मालूम है कि रिदा के बाद किसी की गुंजाइश नहीं मेरी जिंदगी में मैं इंतहा संजीदा होने लगा अरे यार तो खाली खुली दोस्ती में क्या हर्ज है वक्त भी तो काटना है आखिर चलो खैर आज तुम्हारी हमदर्द दोस्त के यहाँ चलते हैं शायद उसने तुम्हें खाने की दावत दी थी हाँ दी तो थी लेकिन मैं एक बार पहले भी खाना खा चुका हूँ उनके यहाँ अच्छा नहीं लगता बार बार पहुँच जाऊँ तो क्या हुआ कभी तुम बुला लेना उसे नहीं तो कहीं बाहर खिला देना लेकिन मैं मना कर चुका हूँ मैंने फिर कहा तो उसने मज़ीद इसरार नहीं किया उस शाम रात गए तक हम लोग बाहर घूमते रहे डियो इन शॉपिंग सेंटर से मैंने घर वालों के लिए कुछ चीज़ें खरीदी वक्तन फा वक्तन मैं लोगों के लिए मुख्त चीज़ें ख़रीदता रहता था ताकि जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊँ खाली हाथ ना हो दूसरे मुझे एकदम सबके लिए तहफ़ ना लेने पड़े जो मेरे लिए नामुमकिन था क्योंकि मैं अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा अम्मी को भेज दिया करता था अहमद चंद रोज़ और रुक कर वापस चला गया उसके जाते ही यूं लगा तनहाई मेरे पास फिर से हल्ला बोल उठी हो मैं उसे रोक रहा था क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं लेकिन वो वाशिंगटन में मौजूद अपनी मुकामी गर्लफ्रेंड से वादा करके आया था कि क्रिसमस उसके साथ मनाएगा वो जुमा जुम्म आठ दिन की दोस्त मुझसे ज़्यादा अहम हो गई तेरे लिए मैंने शिकवा किया तो वो ज़ोर से हंसा जो कुछ उससे मिलता है यार तुझसे कतई नहीं मिल सकता और मैं उसे मिस नहीं करना चाहता मैं उसकी बात पर शशदर रह गया ज़िंदगी वो एंजॉय करो मेरे दोस्त बाद में ये दिन बहुत याद आएंगे उसने मशवरा दिया तो मैंने खामोशी को बेहतर समझा पहली बार मुझे अपनी अपनी तनहाई अच्छी लगी कम अज़ कम मैं गुनाह और सवाब का फ़र्क तो समझता था ये कोई ऐसा मुल्क नहीं था जहाँ ऐसा करने पर मुझे संसार किया जाता लेकिन ऐसा करके जो संग मेरे अंदर होती उसका मैं क्या करता शुक्र है मेरे मालिक तो अभी तक मेरे कदमों की को किसी लगजिश किसी लफजिश से रोका है लगजिश से रोका है आइंदा भी मेरा दामन थामे रखना मेरे रब मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया उस रात मैं काफ़ी दिनों बाद बहुत पुरस्कून होकर सोया दूसरी सुबह जब मैंने अपने कमरे की खिड़की के पर्दे सिरकाए तो बाहर के मंजर ने मुझे मबहूत कर दिया सफ़ेद रुई के अगाले जैसी बर्फ़ ने बाहर के हर मंज़र को ढक लिया था रात में जाने किस वक्त बर्फ़बारी शुरू हुई थी और कब तम गई थी मुझे पता ही नहीं चला आजकल मेरी छुट्टियां थी हाँ शाम में स्टोर की ड्यूटी बददस्ूर थी वैसे भी इन दिनों क्रिसमस की वजह से स्टोर पर बहुत रश था बाहर किस कदर सर्दी होगी अब बाहर भी निकलना पड़ेगा शाम में मुझे सर्दी का सोचकर ही कोफ होने लगी शदीद भूख लग रही थी इसलिए वॉशरूम से फारिग होकर मैं किचन की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था कि कॉल बैल कॉल बैल बजने लगी मैंने दरवाज़ा खोला और बैल को देख कर मुझे जाने क्यों एक खुशगवार सा एहसास हुआ आज कितने दिनों बाद देखा था उसे क्या हाल है अंदर नहीं आने देंगे बाहर मेरा ख्याल है काफ़ी सर्दी है मुझे देख वो मुस्कुराई ओह आई एम सो सॉरी प्लीज़ कमीन मैंने शर्मिंदा होकर दरवाज़ा छोड़ दिया मैंने सोचा कुछ चलकर खैरियत पूछ पूछाऊँ आपकी आप तो ऐसे गायब हुए वो दरअसल मेरा दोस्त आया हुआ था घर में भी कम टिकते थे हम शाम में स्टोर भी जाना होता है मैंने वजाहत की हाँ ये तो है वैसे मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया कहीं आप सो तो नहीं रहे थे अरे नहीं मुझे तो उठे हुए एक घंटा हो गया है बाहर का मंजर इस कदर दिलकश है यही देखता रहा बस अब चाय बनाने जाने वाला था दिलकश तो है लेकिन तकलीफ दे भी शुक्र करें आप अपार्टमेंट में रहते हैं वरना हर सुबह बाहर निकलने से पहले घर के दरवाजे के सामने से बर्फ़ साफ़ करनी पड़ती क्योंकि ये सख्त होकर शीशे की तरह हो जाती है फिसलने का अलग डर होता है हाँ हर बात के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं खैर मैं अभी आता हूँ चले मैं चलती हूँ आपके साथ वो मेरे साथ ही किचन में आई किचन की हालत देखकर मुझे शर्मिंदगी होने लगी रात सोने से पहले मैंने थकन की वजह से किचन साफ़ नहीं किया था कोई बात नहीं होता है कभी कभी फिर मुझे मालूम है आप इन कामों के आदि नहीं होंगे पाकिस्तानी मर्द घरेलू कामों के आदि नहीं होते वहाँ की खातन उन्हें करने जो नहीं देती जबकि यहाँ हर काम बराबरी की सतह पर किया जाता है मुझे शर्मिंदा देखकर वो खुद ही किचन से बैठने लगी आप नाश्ते में क्या लेंगी मैंने चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाते हुए पूछा मैं नाश्ता करके आई हूँ हाँ एक कप चाय ज़रूर पीऊंगी उसने तमाम मैले बर्तन डिश वॉशर में डाले फिर डस्टर से बाकी चीज़ें साफ़ करने लगी प्लीज़ राबेल रहने दें मैंने टोका क्यों क्या हर्ज है फिर मैं इन तमाम कामों के आदी हूँ वो बदस्तूर काम में लगी रही जितनी देर मैंने नाश्ता तैयार किया उतनी देर में उसने किचन चमका दिया हर चीज़ जगह पर करीने से रखी मैं उसकी शख्सियत का ये पहलू देखकर खुशी महसूस कर रहा था मेरे तस्वुर में यही था कि यहाँ की खातिन घरेलू कामों से नाबुलद होती हैं हालांकि ऐसा नहीं था यहाँ की औरत मशीनों से सही लेकिन हर काम खुद करती है आज आप लंच मेरे साथ करें नाश्ते के दौरान मैंने उसे दावत दी किस सिलसिले में सिलसिले का तो पता नहीं बस मैं भी फारिग हूँ और आपकी भी छुट्टियाँ हैं ठीक है लेकिन लंच मैं तैयार करूंगी नहीं हम बाहर लंच करेंगे मैंने कहा तो उसने सर हिला दिया इस रोज़ पहली बार हम दोनों ने अपनी पसंद नापसंद शौक़ ख़्यालत और नज़रियात पर बातें की हैरत अंगेज़ हद तक हम दोनों की पसंद मिलती थी मुझे बहुत हैरत होती है राबेल आप यहीं पैदा हुई यहीं पली बढ़ी लेकिन आपके नज़रियात काफ़ी हद तक मशरक़ हैं गुफ्तु गुफ्तु के दौरान मैंने कहा तो वो मुस्कुराई शायद इसकी वजह यह हो कि मेरी जड़ें मशरक़ की हैं मेरे पापा भी यही चाहते थे कि मैं मुकम्मल मशरकी और पाकिस्तानी लड़की लगूँ और यह बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने पापा की ख्वाहिश का एहतराम किया अपने से मुतलिक लोगों खासकर उन लोगों की जिनसे आपको मोहब्बत हो ख्वाहिहश का एहतराम ही किया जाता है अरशद और मेरे पापा वो रुकी मुझे उनसे शदीद मोहब्बत है वो भी मुझसे मोहब्बत करते थे मोहब्बत तो उन्होंने मामा से भी की लेकिन वो अपने आप में रहने वाली हैं उन्हें मुझसे भी शिकायत हैं और पापा से भी रहीं वो समझती हैं कि पापा ने मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत करना गलत सिखाया अब मैं ना यहाँ की रही ना वहाँ के माहौल में एडजस्ट हो सकूँगी नहीं आपके मामा की सोच गलत है अगर आप पाकिस्तान चली गई या यह, यहीं किसी पाकिस्तानी फैमिली में आपकी शादी हो जाती है तो आप नहायत आसानी से उनके साथ एडजस्ट कर लेंगी क्योंकि ये सलाहियत मुझे आप में नज़र आई है आप एक मुकम्मल लड़की हैं जिसे अपना कर कोई भी खुश रह सकता है मैंने नहायत खुले दिल से इतराफ़ किया मेरी बात पर उसके चेहरे पर इंतहा खुशनुमा रंग बिखर गए आप दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहे हैं वरना शायद मैं अपने बारे में फ़ैसला करना अमूमन ठीक नहीं होता हाँ दूसरे लोग हमारे बारे में काफ़ी ठीक हद तक बता सकते हैं अगर वो हमारे साथ मुखलिस हों और हमारे लिए दिल में बुक्स ना रखते हों खैर ये बहस बेकार है क्योंकि आप मानेंगी नहीं शुक्रिया अशद कि आप आ, अपने दिल में मेरे लिए इतने अच्छे जज्बात रखते हैं मैंने उस अच्छी सी लड़की को सर उठाकर देखा जो वाकई बेहद अच्छी थी और इन तारीफ़ों की मुस्क थी मेरे अचानक यूँ देखने पर वह चंद लम्हों के लिए बदल सी हुई आम सी मशरक़ी लड़कियों की तरह फिर नॉर्मल हो गई आप क्रिसमस कहाँ और किस तरह मनाएंगी मैंने मौजू बदलने की गर्से कहा मैं क्रिसमस नहीं मनाती घर पर सोकर सारा दिन गुजारती हूँ ज़ाहिर है हम मुसलमानों का त्यौहार तो नहीं है ये हमारे लिए यही मुनासिब है मुझे उसके जवाब से खुशी हुई मामा अलबत् ज़रूर कहीं मधु होती हैं किसी न किसी पार्टी में मुझसे भी काफ़ी इसरार करती हैं लेकिन मेरे लिए जो मुनासिब है मैं वही करती हूँ इस बार तो वाइट क्रिसमस होगी यहाँ की रौन के अरूज पर होंगी आप इस रोज़ अगर सारा दिन सोने के मूड में ना हो तो मुझे आपके साथ लंच करके खुशी होगी खाली लंच क्यों डिनर भी क्यों नहीं उसने कहा तो हम दोनों हंस दिए काफ़ी दिनों से पाकिस्तान की कोई खैर खबर ना थी वहाँ से को, 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 कोई ख़बर, कोई खैर खबर कोई खैर खबर नहीं थी ना तो वहाँ से कोई खत आया था ना ही मैंने लिखा था इसलिए रात में स्टोर से वापसी के बाद मैंने घर का नंबर मिलाया उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन सुबह आठ नौ का वक्त तो होगा छुट्टी का दिन होने की वजह से तकरीबन सभी घर में थे सबसे पहले फ़ोन अबा जी ने उठाया अबा जी सब खैरियत है ना अम्मी दादी अम्मा और सब कैसे हैं कितने दिनों से कोई खत भी नहीं मिला मैंने खैरियत पूछने के बाद शिकवा किया हाँ सब खैरियत है तुम्हारा भी बहुत दिनों से कोई खत नहीं मिला तुम ठीक हो बेटा जी अब्बा जी यहाँ सब ठीक है दरअसल शाम में मैंने एक और पार्ट टाइम जॉब कर ली है इसलिए जल्दी जल्दी खत लिखने का वक्त नहीं मिलता थकन इतनी हो जाती है कि फिर सिर्फ बिस्तर ही याद रहता है मैंने बताया हाँ बेटा इस वक्त इतनी मेहनत ही की जरूरत है अच्छा क्या तुमने एक जॉब और कर ली अब्बा जी के जवाब ने मुझे कुछ देर के लिए गंग कर दिया मेरा ख्याल था वो मुझे टोकेंगे कि दियार ग्यार में मुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है मैं वहाँ तनहा हूँ कोई देखने वाला ख्याल करने वाला भी नहीं लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपने जहन को झटक दिया अब्बा जी भी क्या करते जाहिर है उन्होंने मुझे इतनी दूर कमाने के लिए ही तो भेजा था एक दो और बातों के बाद उन्होंने फ़ोन अम्मी को पकड़ा दिया अम्मी आपा की शादी की तैयारियों की तफसील बताने लगी अगले माह की बाईस तारीख तय हुई है मैंने आपा के लिए कुछ चीज़ें खरीदी हैं नहीं आ सका तो भिजवा दूंगा किसी के हाथ नहीं तो मेल कर दूंगा क्या तुम्हारा आने का प्रोग्राम है अभी तो दिन ही कितने हुए हैं बेटा आने जाने में कितना सारा खर्चा आएगा अम्मी मुझे समझाने लगी आज हैरतों का दिन था तो क्या माँ भी मेरे दिल को दुख और रंज ने घेर लिया वो सब वहाँ कितने खुश होंगे इन्जॉय कर रहे ही होंगे और एक मैं यहाँ तनहा क्या था अम्मी अगर आप कह देती कि बेटा तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगेगा कुछ दिनों के लिए आ जाओ लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ एक के बाद एक फ़ोन पर आ, एक के बाद एक फ़ोन पर आता गया मैं सबकी फरमाइशें नोट करता गया मुझे भी तो बात करने दो तो मेरे बच्चे से दादी अम्मा की आवाज़ करीब से आई थी बस अम्मा बहुत बिल बन गया होगा इसका यही पैसे किसी और काम में आ जाते ये अब्बा जी थे जो दादी अम्मा को समझा रहे थे मेरा दिमाग सुन होने लगा यानी अब मुझसे बात करने में मिनट मिनट का हिसाब रखा जाएगा कितने मिनट बात की कितने पैसे खर्च हुए अच्छा आपा अब फ़ोन रखता हूँ बहुत देर हो गई है मेरा दिल एकदम उक्ताहार सी महसूस करने लगा अर्शद मेरे भाई मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी काश इस मौके पर तुम यहाँ होते आपा की आवाज़ शायद भर आ गई थी मेरे कानों को धोखा सा हुआ प्लीज़ आपा अपना ख्याल रखिएगा खुश रहिएगा खुदा करे फैज़ भाई आपको बहुत खुश रखें मैंने खुद को संभाल कर उन्हें समझाया तो वो फ़ोन पर ही बकायदा रोने लगी फ़ोन अब्बा जी ने ले लिया था अच्छा अब्बा जी अब रखता हूँ आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ किया करें मैंने अल्लाह हाफिज कहकर फ़ोन रख दिया अब इतने दिनों बाद सबसे बात हुई थी और सबसे बात करके मेरे दिल का बोझ और बढ़ गया था शायद मैं ही कुछ ज़्यादा हसास और जज्बाती था इन सब ने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा था मुझे यहाँ आए व मुश्किल साल हो रहा था इतनी जल्दी वैसे भी वापसी मुमकिन ना थी मुझे छुट्टी कहाँ मिलती फिर मेरे पास इतना कहाँ जमा था कि बस आनी जा सकता सब कुछ तो मैं पाकिस्तान भिजवा दिया करता था जाने क्यों मैं नींद आंखों से उड़ गई थी हालांकि एक हफ्ते की मसरूफ ने मुझे इतना थका दिया था कि सोचा था कि जाते ही बिस्तर पर लेट कर सो जाऊंगा गर्म बिस्तर की कशिश भी मुझे अपनी जानिब ना खेच सकी उस वक्त टेलीफोन की घंटी फिर से बजने लगी इस वक्त कौन हो सकता है मैंने वॉल क्लॉक पर नजर डाली रात के सवा ग्यारह हो रहे थे दूसरी जानब रावील थी सॉरी अर्शद गलत वक्त पर फ़ोन करने की माजरत जानती हूँ कि इस वक्त तक आप सो जाते हैं लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा था कि इस वक्त आप शद तन का शिकार हैं और किसी दोस्त की कमी आपको बेहद महसूस हो रही है मैं हैरान रह गया शायद मैं गलत सोच रही थी डिस्टर्ब डिस्टर्ब करने की दोबारा से माफ़ी चाहती हूँ उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी उभर आई नहीं रावेल तुमने ठीक महसूस किया मैं तो शदीद हैरत ज़दा हूँ तुमने इतनी दूर बैठ मेरी फीलिंग कैसे जान ली जबकि मेरे अपने खैर मैंने आज पहली बार उसे तुम कहकर मुखातिब किया था क्या हुआ पाकिस्तान में तो सब खैरियत है ना हाँ ठीक है सब अभी कुछ देर पहले मैं वही बात कर रहा था पता नहीं रहा दूर होने से दिल भी दूर हो जाते हैं या पैसा दुनिया के सबसे अहम शह शाय है शायद या फिर मैं ही कुछ ज़्यादा हसास हूँ मैं उस वक्त शदीद डिप्रेस था अरशद क्या हुआ है आप कुछ उलझे हुए हैं कोई बदगुमा कोई बदगुमानी हो गई है क्या आप कुछ गलत मत सोचें मैं गलत नहीं सोच रहा लेकिन मैंने महसूस किया है कि अब मैं उनके लिए इतना अहम नहीं रहा जितनी मेरी कमाई मुझसे बात करना मुझे देखना उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं जितना यह कि उन्हें कमा कमा कर भेजता रहूं। जाने क्यों मैं जाने क्यों उसे ये सब कह रहा था नहीं अशद ऐसा नहीं सोचते अपनों के लिए अपने ही अहम होते हैं पैसा नहीं आपने गलत महसूस कर लिया है क्यों आदतें खराब करती हो मेरी मैं इन कामों का आदि हो चुका हूँ मैं नहीं होती तो करते ही है ना फिर इन मामूली कामों से ना मैं थकूंगी ना आपकी आदत आदत आदात खराब होंगी उसने चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया फिर अंडे फ्राई करने लगी मैंने टोस्टर में स्लाइस डाले और स्टूल पर बैठ उसे काम करते हुए देखने लगा मेरी नज़रों को जल्द ही उसने महसूस कर लिया था क्योंकि अब उसका अंदाज़ा अंदाज वो नहीं था मुझे हैरत होने लगी एक मगरबी मुशरों में पली भड़ी लड़की मशरक़ी लड़कियों की तरह घबरा रही थी क्या बात है मैं उसकी इस सालत से थोड़ा सा लुफ्फानदोज़ होने लगा था कुछ नहीं अब नाश्ता शुरू करें उसने नाश्ता मेरे सामने रख दिया और अगले ही लम्हे नॉर्मल होकर मेरे सामने बैठ गई लेकिन अब वो बरह रास्त मेरी जानिब नहीं देख रही थी इधर उधर की बातों में हमने नाश्ता ख़त्म कर लिया आज सारा दिन क्या प्रोग्राम है मैंने बर्तन समेटने में उसकी मदद करते हुए पूछा कुछ नहीं रात में मम्मी के साथ उनकी एक दोस्त के घर डिनर पर जाना है और बस कल तो क्रिसमस की वजह से मम्मा सारा दिन घर पर नहीं होंगी अपनी सब दोस्तों को क्रिसमस विश करने और गिफ्ट देने जाएंगी मैं सारा दिन सो कर या टीवी देखकर देख गुजारूंगी एक आध फ्रेंड को क्रिसमस विश करने के लिए फ़ोन कर लूँगी और बस तुम रात में अपनी मम्मा के साथ डिनर पर नहीं जाओगी बल्कि मेरे साथ डिनर करोगी जैसे तुम्हारी मर्जी हो घर पर चाहो या बाहर मैंने कहा ओके okay, मैं ममा को समझा लूंगी वो मुस्कुराई वो हमारी दोस्ती को बुरा तो नहीं समझती अभी तक तो नहीं मेरी इस सिलसिले में उनसे कोई बात नहीं हुई दूसरा उन्हें मालूम है मैं हर एक को दोस्त नहीं बनाती उसके जवाब पर मुझे खुशी हुई आओ आज तुम्हें तो अपने घर वालों की तस्वीरें दिखाता हूँ मैं उसे सिटिंग रूम में बिठाकर तस्वीरें लेने चला गया फिर उस दिन मैंने उसे सबकी तस्वीरें दिखाई वो शो को दिलचस्पी से सबकी तस्वीरें देखती रही और ये रिदा है सबसे आखिर में मैंने रीता की तस्वीर उसके आगे रख दी बहुत प्रीटी है बेानतहा खूबसूरत उसने बेसाख्ता तारीफ़ की एक लम्हे को नज़र उठाकर मुझे देखा मुस्कुराई फिर आहिंदगी से बोली मैं अगर गलत नहीं समझ रही हूँ तो आप दोनों का कपल बहुत अच्छा है जाने मुझे क्यों लगा चंद लम्हों के लिए उसके आँखें भुस्सी गई हूँ लेकिन अगले ही लम्हे मैंने सर को झटक दिया शुक्रिया हम दोनों एक साथ पढ़ते थे कब अंडरस्टैंडिंग हुई पता ही नहीं चला रीता बहुत अच्छी लड़की है यकीीअन होगी आप जैसे शख्स को कोई मामूली आम सी लड़की पसंद आ ही नहीं सकती वो इंतहाई संजीदगी और खलूस से बोली नहीं राबेल वो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी है बेहद कॉन्फिडेंट बेानहा खूबसूरत जाने उसे मुझे जैसे आम शख्स में क्या नज़र आया वरना उसे बहुत अच्छे लोग मिल सकते थे आप अपने बारे में खुद से कोई राय कैसे कायम कर सकते हैं हमारे बारे में दूसरे ही सही बता सकते हैं एनी anyway, वे आपने इतने अरसे मुझे रिदा के बारे में क्यों नहीं बताया मेरा ख्याल है कभी जिक्र ही नहीं आया वैसे कहीं ऐसा ही कोई रास् तुमने भी तो दिल में छुपा के नहीं रखा मैंने शरारत से उसे देखा तो वो वाहिस्गी से मुस्कुरा दी नहीं अभी ऐसा कोई शख्स मेरी जिंदगी में नहीं आया वाकई तुम्हें कभी कोई इस नज़र से अच्छा नहीं लगा मुझे यकीन नहीं आया नहीं उसने एक नज़र मुझे देखा फिर पलकें झुका ली अच्छा अगर कभी कोई अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताना मैं उससे जाकर कहूँगा लकी मैन तुम वाकई बेहद खुशकिस्मत हो जो एक बेहद अच्छी लड़की तुम्हें पसंद करती है छोड़ें भी अब आप आज क्या बेकार बातें लेकर बैठ गए ओके okay, चलो कोई और बात करते हैं फिर उस रोज़ हम दोनों ने जाने कहाँ कहाँ की बातें की लेकिन मैंने महसूस किया वो कुछ उलझी हुई कुछ संजीदा सी हो गई थी हालांकि उसने खुद को ख़ुद को काफ़ी हशाश बशाश रखने की कोशिश की थी लेकिन मैं जाने क्यों महसूस कर रहा था कि रीता के बारे में जानने के बाद उसका चेहरा कुछ बुसा गया था कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे मैंने कई बार उसके चेहरे पर कुछ खोजने की कोशिश की लेकिन फिर मैं खुद ही अपने इस ख्याल को झुटला देता अल्लाह करे ऐसा ना हो लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे माफ़ कर देना राबेल तुम वाकई बहुत प्यारी और मुकम्मल लड़की हो मैं इंतहा पुरखलूस और हमदर्द मेरे आइडियल से इंतहा करीब लेकिन इस दिल का क्या करूँ जो पहले ही रिदा का हो चुका है मैं रिदा को धोखा नहीं दे सकता खुद को धोखा नहीं दे सकता और सबसे बढ़कर तुम्हें धोखा नहीं दे सकता तुम जो इस झूठ और तसनी से भरपूर दुनिया में खुदा का एक तोहफ़ा हो खुदा करे तुम्हें कोई उतना अच्छा और प्यारा शख्स मिले जो तुम्हें भरपूर तवज्जो और मुकम्मल यकीनों प्यार दे सके रात में सोचते सोचते जाने कब सो गया दूसरी सुबह हालांकि मैंने खुद उसे सारा दिन अपने साथ गुजारने को कहा था लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि हमारा कम कम मिलना ही बेहतर है इसलिए मैं सुबह से ही घर से गायब हो गया सारा दिन और रात इधर उधर गायत करने के बाद रात गए जब मैं घर लौटा तो जिसम और जहन दोनों ही बेनतहा थके हुए थे कपड़े तब्दील करके बिस्तर पर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि टेलीफ़ोन की बेल बज उठी मुझे मालूम था दूसरी जानब कौन होगा मैं हॉन्ट बेंचे टे, टेलीफ़ोन को घूरता रहा फिर ना चाहते हुए भी रिसीवर उठा लिया हेलो अस्सलाम वालेकुम अशद आप ठीक तो है ना हस्पितवका दूसरी जानब राबेल ही थी हाँ मैं ठीक हूँ आई एम सॉरी राबेल मुझे एक एमरजेंसी काम पड़ गया था मैं जाने से पहले तुम्हें इन्फॉर्म भी ना कर सका कि मैं बहाना बनाने लगा कोई बात नहीं मैं तो बस आपकी जानब से परेशान थी खैर आप आराम करें थके हुए लग रहे हैं आवाज़ से उसने सहूलत से कहकर एकदम फ़ोन बंद कर दिया थकन जैसे मेरे अंदर उतर आई थी मैंने क्यों किया ऐसा क्या यह फ़रार है लेकिन किससे से राबेल से या खुद से वो इतनी अच्छी लड़की मुझे क्या बहकाएगी और मैं क्या मुझे खुद पर एतबार नहीं क्या मैं रिदा को भूल सकता हूँ उसे धोखा दे सकता हूँ अगर नहीं तो किस बात से डर रहा हूँ वो मेरी दोस्त है महज एक अच्छी दोस्त दियारे गैर में कोई हम वतन मिल जाए तो हम ख़्याल और मुखलिस भी हो तो गनीमत लगता है फिर अगर वो लड़की है तो मैं खौफजदा क्यों हूँ क्या मुझे उसकी आंखों में अपनी तस्वीर नज़र आई जो हाँ इससे पहले मैं उससे खौफजुदा नहीं था उसमें एक कशिश है जो मुझे अपनी जानब खींचती है उसके ख्याल नज़रियात सोच शौक पसंद नापसंदीदगी हर बात मेरी अपनी सोच से मिलती है जबकि रिदा की बहुत सी बातें मुझसे मुख्तफ हैं हम दो मुख्तफ सोच रखने वाले हैं लेकिन ये दिल हाँ इस दिल का क्या करूँ जो हर बार रिदा की जानब झुकता है इस नजर का क्या करूँ जो उसके तो से हटती ही नहीं और यह रे रा, राबेल ये कहाँ से आ गई हमारे दरमियान मैं अनजाने में दोनों का मुआजना करते हुए जलाने लगा फिर मैंने ना चाहते हुए भी उससे मिलना कम कर दिया वो खुद भी थोड़ी रिजर्व हो गई थी लेकिन जाने क्यों मुझे ये एहसास बार बार कु था कि मैंने अपना एक बेहद मुखलिस दोस्त खो दिया है लेकिन हम दोनों के लिए यही मुनासिब था कई बार जब तन्हाई से घबरा कर दिल उकता जाता तो उंगलियां उसके टेलीफोन नंबर मिलाने को बेचैन हो उठती तब तो मैं उठकर इधर उधर के कामों में दिल बहलाने लगता कभी टीवी कभी कोई किताब और कभी बिला वजह की आवारा कर दी इन्हीं दिनों अहमद एक बार आया तो वो मुझे यूं खुद से बेजार देखकर डांटने लगा तुमने खुद को इतना सा भी नहीं बदला सिर्फ काम और ये खाली घर पागल हो जाओगे इस तरह बाहर निकला करो दोस्त बनाओ दुनिया की हर तफरी है यहाँ कोई रोक टोक नहीं कोई देखने वाला नहीं फिर क्यों पाबंद कर रखा है तुमने खुद को तो क्या करूं मैं चिड़सा गया दोस्त बनाओ दिलचस्पी का कोई सामान ढूंढो और वो वो तुम्हारी फ्रेंड जो इसी अपार्टमेंट में रहती है कहाँ है आजकल उसी के साथ एंजॉय किया करो मेरे पास इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं मेरा लहजा थोड़ा सा सख्त हो गया मर्जी है भाई तुम्हारी लेकिन इस तरह तुम बहुत जल्द सैटअप हो जाओगे इस रूटीन से फिर मेरा मशवरा है कि शादी कर लो उसने इत्मीनान से मशवरा दिया शादी मैं बुरी तरह उछल पड़ा हाँ शादी कोई अच्छी लड़की देखकर दिमाग खराब है और रिदा रिदा का क्या होगा जाते वक्त उस लड़की को तलाक़ दे देना पाकिस्तान जाकर रिदा से कर लेना और अगर यहीं रहने का प्रोग्राम है तब भी तुम तो उसे छोड़कर रिदा को बुलवा सकते हो कुछ दे दिलाकर पहली वाली को छोड़ देना बहुत मिल जाती हैं यहाँ ऐसी लड़कियाँ शादी की बात छोड़ो खाली शराब और खाने के इवज़ अपना सब कुछ पेश कर देती हैं जितने दिन चाहो रखो कुछ डॉलर हाथ पर रखो और खुदा हाफिज प्लीज़ अहमर मुझसे और बर्दाश्त ना हो सका मैं ये सब करने यहाँ नहीं आया ना तो मैं अपनी हद से गुजर सकता हूँ और ना ही रिदा को धोखा दे सकता हूँ या खुदा अच्छा मौलवी फिर सोच फिर सोचो कुछ और इस बारे में नहीं तो पागल हो जाओगे तन्हाई बड़ी बुरी शह है और तुम जैसा शख्स जो इतनी बड़ी फैमिली से आया हो यहाँ अकेले रह रह कर रुकता ही जाएगा मैं यहाँ दोस्तियां करने और अपने वक्त को रंगीन बनाने नहीं आया बल्कि मेरा एक मकसद है तुम तो अच्छी तरह जानते हो जिस दिन ये मकसद पूरा हो गया मैं एक दिन यहाँ नहीं रुकूंगा फिर मैं जाते हुए ऐसे निशान यहाँ क्यों छोड़ जाऊं जिन्हें सारी जिंदगी वहां जाकर खोजता रहूँ ठीक है भाई लेकिन जो वक्त यहाँ गुजारना है वो भी बड़ा तवील है तुम्हारे मसाले कितार में खड़े हैं और वक्त किसी का नहीं रीज़ा भी इतना तवील अरसा तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती वो एक नाजुक लड़की फिर जैसी है उसके लिए तुम्हारा इंतजार करना काफ़ी कठिन होगा यकीन बहुत से हाथ उसकी जानब बढ़े होंगे इस बारे में कभी सोचा तुमने तुम तो मुझे इंतज़ार की सूली पर कब तक लटकाए रखोगे अहमर के सवाल तलक लेकिन हकीक़त पर मबनी थे मैं कुछ देर के लिए कामोसा हो गया अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ अहमर खुद तो जैसे तैसे गुजार रहा हूँ अगर रीता से शादी कर लेता हूँ तो मेरे मसाइल और बढ़ जाएंगे तुम तो अच्छी तरह जानते हो मालूम है लेकिन कब तक कम से कम आपा और नैनी बाजी की शादी तक तब तक फहद और राहत भी किस काबिल हो जाएंगे मैं रीता को यह सब बता चुका हूँ वो मेरे मसाल समझती है ओके okay, लेकिन तब तक ख़ुद को एक खोल में बंद मत रखो गलत तरीके से ना सही लेकिन जिंदगी को एंजॉय करने का तुम्हें भी हक है अपनी दोस्ती को एक हद तक रखो लड़कियों से ना सही तो लड़कों को तो दोस्त बनाओ अहम फिर से समझाने लगा यार सिर्फ वक्त की कमी की बात है दो दो जॉब करने के बाद टाइम ही कहाँ मिलता है दूसरे यहाँ के लड़के बुरा मत मारना लेकिन अहमर वहाँ पाकिस्तान से आते ही जैसे इन्हें छूट मिल जाती है मैंने उन्हें जिस तरह खुद को बर्बाद करते देखा है सवाए दुख के कुछ नहीं मिलता फिर भी कोई तो मुखलिस हमदर्द और अपने जैसा नजर आया होगा तो मैं इस अंधेर नगरी में उसने कहा तो मेरी आंखों के सामने राबेल की सूरज झिलमिलाने लगी वाकई वो इस अंधेरे में चमकता हुआ सितारा थी हाँ एक है मैं मुस्कुराया वही अहमर भी एक घाक था हाँ मुझे एतराफ़ करना पड़ा मुझे हैरत होती है अहमर उसे देखकर इस माहौल में भी उसने जिस तरह खुद को रखा हुआ है बहुत मुश्किल बात है तो फिर क्या वो कहीं और चली गई है नहीं यही है लेकिन मैं डरने लगा हूँ कहीं ये दोस्ती कोई और रंग ना ले आए वो मेरे लिए गलत ना सोचने लगे मैं रिदा के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं सोच सकता क्या वो रिदा के बारे में जानती है हाँ मैंने उसे रिदा की तस्वीर भी दिखाई थी और उसके बारे में ईमानदारी से सब कुछ बता दिया था क्या वो तुम्हें पसंद करने लगी है अहमद ने अचानक पूछा मालूम नहीं लेकिन मैं उसका वाद दोस्त हूँ मैंने बारह हाउस की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखी है और अगर यह पसंदीदगी मोहब्बत में बदल गई तो मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता अहमर इसलिए खुद ही पीछे हट गया मुझे अहमर को बताना पड़ा अहमक हैं आप वो झिंझला गया इतनी सी बात पर यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं तुमने छोटे से शक शक पर उसे दोस्ती खत्म कर ली तुम फ़ौरन मिलो उससे सारी खुराफा जहन से निकाल कर तुम उसे धोखा नहीं दे रहे वो सब जानती है अकलमंद होगी तो उस दोस्ती से आगे नहीं बढ़ेगी और अगर कुछ सोचती भी है तो उसमें तुम्हारा क्या कसूर हाँ मेरा क्या कसूर मैंने उससे कुछ छुपाया तो नहीं मैंने सोचा चलो बाहर चलते हैं खाना बाहर खाएंगे अहमद ने उठते हुए कहा मैं सब सोचों को जहन से झटक कर उठ उठकर खड़ा हुआ अहमद को छोड़कर वापस आते हुए मैं ना चाहते हुए भी राबेल के मतलब सोचता रहा वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी मैं किस तरह बिना कुछ कहे उसे खींचा गया था कितने दिनों से उसे देखना तो दरकनार फ़ोन पर बात तक ना हुई थी घर आते ही मैंने उसका फ़ोन नंबर मिलाया दूसरी जानी वही थी बेहद सुलझी हुई खूबसूरत सी आवाज़ यस राबेल स्पीकिंग राबेल ये मैं हूँ अशद मैंने कहा तो चंद लम्हों के लिए वो खामोश रही फिर बोली कैसे हैं आप ना कोई शिकवा ना शिकायत यूं अचानक अजनबी बन जाने पर मैं ठीक हूँ तुम कैसी हो काफ़ी दिनों से तुमसे बात ही नहीं हुई मैं मसरूफ़ था घर भी देर से आता था मैं सफाइयाँ पेश करने लगा आपके दोस्त चले गए जवाबन उसने पूछा तो मैं हैरान रह गया हाँ लेकिन तुम्हें कैसे मालूम एक अपार्टमेंट में रहते हुए क्या मुश्किल बात है दो एक बार दोनों को हमरा आते जाते देखा था ये वही दोस्त है ना जो वाशिंगटन में रहते हैं हाँ छुट्टियों में मेरे पास आ जाता है अभी उसको ही छोड़कर आ रहा हूँ घर में सब कैसे हैं कोई ख़त आया वो आमसे लहजे में यूँ पूछ रही थी जैसे हम दोनों के दरमियान एक गहरी खामोशी का कोई पीरियड आया ही ना हो जैसे मैं काफ़ी दिनों से दिनों से शहर में ना होने की वजह से उससे अनजान था सब ठीक है कल आपा की शादी है राबेल तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो नहीं किस लिए वो अनजान बन गई मैंने इतने दिनों से तुमसे ना फ़ोन पर बात की ना ही मिला इसमें बुरा मानने की क्या बात है अभी आपने बताया तो कि आप मसरूफ़ थे वही ठंडा लहजा मैं बुरी तरह झंझला गया वजह नहीं पूछोगी कि क्यों प्लीज़ अशद वो एकदम जैसे जाग सी गई थी जो बात मुमकिन नहीं है उस पर क्यों सोचा जाए मैं और आप महज दोस्त हैं और बस ये बात आपने मुझ पर वाज कर दी है और ये बात मैं ख़ुद भी अपने आप को समझा चुकी हूँ फिर आपका ये फ़रार बेमायनी है दोस्ती बड़ा बेरे और बेर और बेगर्ज रिश्ता है ये चाहत की तरह खुद गर्ज़ नहीं होती कि बदले में चाहत मांगे आपने मुझे जो कुछ दिया वो मेरे लिए दुनिया की हर शह से बढ़कर कीमती है इतना खलूस भरोसा यकीन और मान हर एक को नहीं मिलता यहाँ मैंने झूठ धोखे और ख़ुदगर्जी के ऐसे ऐसे ताल्लुक़ देखे हैं कि ये सच्चा और मुखलिस ताल्लुक मुझे एक नेमत लगता है आप नहीं समझेंगे समझ ही नहीं सकते उसका हर हर लफ्ज़ मुझे शर्मिंदगी की गहरी पाताल में धकेलता गया कितनी मुख्तित थी वो मैं तो समझा था वो मुझे अपने खलूस हमदर्दी से अपनी जानब खींच लेगी रीता से दूर ले जाएगी उसकी इस दोस्ती को किसी और रिश्ते में तब्दील करने पर मजबूर कर देगी इसीलिए तो मैं कतरा रहा था उससे लेकिन वो आई एम सॉरी राबेल मैं वाकई गलत सोच रहा था तुम बहुत अरफा हो मेरी सोचों से भी ज़्यादा वो शख्स बहुत खुश नसीब होगा जो तुम्हारा ज़िंदगी भर का साथी बनेगा आप भी बेहद खुश नसीब हैं जिसे रिजा जैसी अच्छी मुकम्मल और चाहने वाली साथी मिली है उसने खलूस से कहा उस रात हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे वो मुझ पर एक अच्छी किताब की तरह वर्क वर्क खुलती गई हर हर सतर पाकिज़ा हरफों से लिखी हुई थी और मैं उसे किसी मुद्दस शहीफे की तरह पढ़ रहा था कभी कभी जब मैं रिदा को सोचता तो जाने कहाँ से उसका ख्याल मेरे जहन में डर था मैं जाने में दोनों का मुआज़ना करने लगता तब मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल उठता कि जैसे वही है जो मुझे समझती है बिना कहे मेरे मिजाज के हर मौसम को जान लेती है मेरी आँखों से मेरे अंदर की हर कैफियत पसंद और नापसंद को पहचान लेती है जबकि रिदा हमेशा मुझसे अपना आप बनवाती आई है, है। उसे इसका एहसास था कि वह मेरी कमज़ोरी बन गई है और मैं हर बार उसके आगे हार जाता हूँ फिर मैं अपनी सोच पर नफरन भेजने लगता अगर रीदा मेरी सोच को जान जाए तो उसे कितना दुख हो क्या उसके बाद अब मेरी ज़िंदगी में और मेरी सोचों में किसी और की गुंजाइश है रीदा के लिए तो मेरी और राबेल की यह बेसर दोस्ती ही बहुत होती ना कि उससे आगे की ये सोच आपा की शादी अगले रोज़ थी मैं उस दिन सुबह से ही बेहद उदास था वहाँ कैसी चहल पहल होगी सब रिश्तेदार जमा होंगे मोहल्ले में भी हर एक कामों में पेश पेश होगा मेरे दोस्तों ने मेरे ना होने पर दोस्ती का हक़ हर काम में भटज कर अदा कर दिया होगा अबा जी हसब आदत बोख्लाए फिर रहे होंगे आसी और नैनी आपा को अपने कपड़ों की फ़िक्र होगी अम्मी बार बार बहाने बहाने से आपा को आकर देख रही होंगी और दादी अम्मा वो यकीन हर हर पल मुझे याद करती होंगी मैंने तस्वुर के आँख से हर मंज़र को बार बार देखा दर्द कपड़ों में मलबूस रोई रोई आपा कितनी अच्छी लग रही थी आहड़ पर चौंक कर दरवाजे को देखती थी शायद मैं आ जाऊँ मेरी उनकी दोस्ती भी तो बहुत थी मैंने उनकी शादी पर कितने प्रोग्राम बना रखे थे लेकिन इस दूरी ने सब कुछ मिटा डाला था उस रोज़ शाम में जब मेरी राबेल से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई तो वो मुझसे ज़्यादातर मेरे घर वालों के मुतलिक बात करती रही पाकिस्तान की शादियाँ कैसी होती हैं वहाँ शादियों में क्या क्या रसूमात अदा की जाती हैं मैं उसे सब कुछ बताता रहा पता भी ना चला कि तब शाम गहरी रात में तब्दील हो गई हम दोनों बातें करते करते थक गए बस अब घर जाकर अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप सो जाएं कुछ नहीं सोचना बाद मरतबा हमें बहुत कुछ अपनी मर्जी और ख्वाहिश के खिलाफ भी करना पड़ता है लेकिन हमारे लिए अहम वो होता है जिसके लिए हम अपनी की कुर्बानी देते हैं शुक्र अदा कीजिए अपने रब का कि आप एक मकसद के साथ जी रहे हैं यहाँ तो बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनका कोई मकसद हयात नहीं होता और वो जिए चले जाते हैं

Uh, हो जाती मुझे घर वाले शिद्दत से याद आते थे पिता के खतूत की शिद्दत में अब कुछ कमी वाक़ हो चली थी लेकिन हर खत में उसका यही इसरार होता कि अब मैं उससे शादी करने के लिए पाकिस्तान आ जाऊँ और उसे साथ ले जाऊँ मुझे मालूम था अभी अम्मी और अबा मुझे इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि इस तरह मेरे अपने मसाइल में इस तरह मेरे अपने मसाइल में इजाफा हो जाता और दूसरा मैं खुद भी यहाँ रहना नहीं चाहता था और मेरा इरादा था कि चंद साल और मेहनत यहाँ करूँ ताकि इतना जमा कर लूँ कि पाकिस्तान जाकर कुछ ज़ाती काम कर सकूँ लेकिन जब भी कुछ बचाना चाहता वहाँ से ऐसा मुतालबा होता कि मुझे सब कुछ वहाँ भेजना पड़ता इस बार जब अहमर मेरे पास आया तो उसके पास मेरे लिए खुशखबरी थी उसका ट्रांसफ़र यहीं की ब्रांच में दोबारा हो गया था उस शामरा बेल जब मुझसे मिलनी आई तो पहली बार उसका अहमर से सामना हुआ इससे पहले जब भी अहमर मेरे पास आता था इतफाक़ से उससे मुलाकात नहीं हो पाती थी मैंने अहमद की नज़रों में वाज तौर पर राबेल के लिए पसंदीदगी देखी जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा मेरा दिल चाह इन नज़रों से उसे बहुत दूर ले जाऊं वो यहाँ की बहुत सी लड़कियों से बहुत मख्तल थी खासकर अहमद की दोस्तों से बिल्कुल जुदा वो दिल का बुरा नहीं था ले, लेकिन यहाँ आकर ज़िंदगी गुजारने का उसका अंदाज़ बिल्कुल बदल चुका था औरत और उसकी ज़िंदगी का लाजमी जुज बन चुकी थी वो वहाँ पीने पिलाने भी लगा था यहाँ के माहौल में ये सब बातें बहुत आम समझी जाती थी मैंने अगर यहाँ आकर खुद को बदलने नहीं दिया था तो क्या हुआ यहाँ की अक्सर ये जो पाकिस्तानी लड़के लड़कियों पर मुश्तमिल थी उन्होंने यहीं के अंदाज अपना लिए थे लेकिन राबेल को देखकर कतई नहीं लगता था कि वो इसी माहौल में बड़ी हुई है शायद ये उसके अंदर की नेक फितरत रूह थी जो उसे इन तमाम लग्जिशों से बचाए हुए थी आपसे मिलने का बहुत शौक था अशद से बहुत बो, अशद बहुत जिक्र करता है आपका अहमद ने कहा तो वो मताना से मुस्कुराई आपने अपने दोस्त को यहाँ बुलाकर तनहा कर दिया था अच्छा हुआ कि आप वापिस आ गए यहाँ हाँ उसने खुद यहाँ आकर अपने इर्द गिर्द इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर ली हैं कि कोई आना भी चाहे तो वो मुमकिन नहीं सिवाय आपके जाने हमर क्या कहना चाहता था ये मेरी खुशनसीबी है कि अर्शद ने मुझे अपनी दोस्ती के काबिल समझा ये राबेल कह रही थी मैंने बेयकनी से उसे देखा मुझे मालूम था कि वो मुझे पसंद करती है लेकिन वो इस तरह दूसरों के सामने इसका एतराफ़ करेगी ये हैरत की बात थी उसके जाने के बाद भी अमर बहुत देर तक उसी की बातें करता रहा वो उससे बहुत मुतासर नज़र आता था क्या बात है तुम बहुत इम्प्रेस नज़र आ रहे हो उससे मैं पूछ ही बैठा हाँ यार राबेल वाकई एक बेहद अच्छी और मुकम्मल लड़की है उसने गर्दन हिलाई किस हद तक मेरा लहजा तीखा हो गया लेकिन वो तुम्हारी इन दोस्तों से मुख्तफ है इसलिए प्लीज़ अरे नहीं यार लड़कियों लड़कियों में फ़र्क होता है किससे दिल बहलाना है किससे सिर्फ दोस्ती रखनी है और किसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना है सब अलग अलग होता है तुम सबको एक साथ शामिल नहीं कर सकते वो हंसा और राबेल मेरे अब यहाँ से वापस जाने का इरादा नहीं मैं यहाँ मुकम्मल तौर पर सेट हूँ मुझे किसी ना किसी से शादी तो करनी है राबेल उसके लिए आइडियल लड़की है उसने मुझे लम्हा भर के लिए साकित कर दिया लेकिन लेकिन उन सब लड़कियों का क्या होगा जो तुम्हारी दोस्तें थीं जो उससे भी आगे हैं अरे वो सब खत्म उन सबसे जो कुछ मैंने लिया उससे ज्यादा मैं उन पर लुटा चुका हूँ लेकिन बंदा सारी उम्र तो ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता ना और शादी के बाद शादी के बाद सब खत्म वो एकदम संजीदा हो गया मुझे मालूम है अर्शद मैं अब तक बहुत कुछ बल्कि सब कुछ बहुत गलत करता रहा हूँ लेकिन जब एक अच्छी लड़की मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी मेरा एक घर होगा बच्चे होंगे तो पिछला सब कुछ ख़त्म हो जाएगा लेकिन मैंने तो सुना है चोर चोरी से जाता है हेरा फेरी से नहीं जाता ना चाहते हुए भी मैं तलब हो रहा था इसका पता तो बाद में चलता है दावे तो सब करते हैं लेकिन खैर अशद तुम राबेल को मेरे लिए समझाओगे ना वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है तुम्हें बहुत अच्छा समझती है तुम उसे कन्वेंस करना कहीं तुम उसे मेरे बारे में तो वो कहते कहते रुक गया नहीं मैंने उसे कुछ नहीं बताया यह तुम्हारा पर्सनल मामला था लेकिन आइंदा देखो अहमर राबेल वो वाकई बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है मैंने इतने दिनों में उसमें कोई खामी नहीं देखी वो जिस शख्स की ज़िंदगी में शामिल होगी वो बहुत कुछ नसीब होगा लेकिन जिस तरह यहाँ के माहौल में उसने खुद को बचा के रखा है उसे भी तो ऐसा ही शख्स मिलना चाहिए तुम भी मेरे दोस्त हो वो भी मेरी अच्छी दोस्त है मैं उसके लिए अच्छा सोचूंगा हाँ वाकई मुझ में बहुत खामियाँ हैं फिर मैंने ख़ुद को इस काबिल भी नहीं रखा कि एक पाकीज़ा किरदार की लड़की मुझे अपनाए लेकिन आज जाने क्यों राबेल को देख ऐसा लगा कि काश मैंने उसके लिए ख़ुद को संभाल कर रखा होता एनी छोड़ो ही जिक्र को उससे मौजूद तब्दील कर दिया फिर उसके साथ साथ वाकई व खुद भी बिल्कुल तब्दील हो गया मैं अक्सर उसे देख देख कर हैरान होता था कि क्या ये वही अमर है अब हम तीनों एक साथ बाहर आउटिंग के लिए जाया करते थे अक्सर वो जब भी आई कोई कोई अच्छी चीज़ बनाती तो हमें अपने अप, अपार्टमेंट में इन्वाइट कर लेती कभी कभी हमारे अपार्टमेंट में आकर बहुत सारे काम निपटा जाती लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि वो अमर के साथ कभी तनहा बाहर नहीं गई थी ना ही कभी अकेले में उससे अपार्टमेंट में आकर मिली थी जबकि मेरे साथ तो अक्सर तनह भी बड़े मज़े से घंटों बातें करते वो ना थकती थी उसका यह एतम भरोसा और अपनाइत मुझे उसका असिर कर लेता था इस रोज़ मेरी सालगिरह थी मैं सुबह से जाने क्यों उदास था लेकिन जब रिदा का सुबह ही सुबह फ़ोन आया तो मेरी वकैफियत बहुत कम हो गई थी प्लीज़ अशद कुछ करो मैं मजीद अपने घर वालों को नहीं टाल सकती यहाँ आकर मुझे ले जाओ वरना मुझे मत कहना रिधा ने मुझे बताया तो मैं बेचैन हो गया रिधा कुछ दिनों की बात और है फिर मैं वापस लौट आऊंगा वापस वो जैसे शौक़ रह गई तुम वापस क्यों लौटना चाहते हो अशद लोग तो यहाँ से जाने की कोशिश में लगे रहते हैं उन्हें मौके नहीं मिलते और एक तुम हो मैं यहाँ नहीं रहना चाहती वही अमेरिका में रहना चाहती हूँ तुम ऐसा सोचना भी नहीं उसकी आवाज़ में नाराज़गी ऊद कर आई थी लेकिन रिदा देखो दूर के ढोल सुहाने होते हैं बेशक यहाँ बहुत सी सहूलियात हैं लेकिन अपना वतन अपना होता है आसाइशों के लिए हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं मैंने यहाँ का माहौल देख लिया है हम और हमारे बच्चे इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकते घूमने की हद तक ये ममालिक अच्छे हैं लेकिन रहने के लिए नेवर तुम अच्छी तरह जान लो मैं अपनी सारी जिंदगी यहाँ बर्बाद नहीं कर सकता तो फिर ठीक है उसका अंदाज़ धमकी देने वाला हो गया क्या ठीक है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि फिर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी मैं भी उसी के अंदाज़ में बोला तो वह नरम पड़ गई ओके okay, इस मौजू पर फिर बात करेंगे अभी तो तुम वहीं रहोगे जब तक तुम्हारे घर वालों के सारे मसाइल हल नहीं हो जाते फिलहाल तुम इस फिलहाल तुम इस मसले को हल करो देखो मैं कोशिश करती हूँ तुमने जिस तरह इतने दिन उन्हें समझाया है कुछ रोज़ और पाकिस्तान में चंद माह में आ रहा हूँ कुछ और बातों के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया रिजा से बातों के बाद मेरा दिल और बेकलसा हो गया था जहन उलझ रहा था यह नजरियाती फ़र्क था जिसकी वजह से आज हम इतने अहम मौके पर अपनी ज़िंदगी के सबसे खास शख्स से बात करने के बावजूद मेरा दिल उदास था उसी वक्त कॉल बैल बजी राबेल के मुस्कुराते चेहरे को देखकर मेरे अंदर के बोचलपन में कुछ कमी हो गई मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे उसने बुके और गिफ्ट मुझे थमाते हुए कहा थैंक यू मैं जवाब और मुस्कुराया हो गई रिजा से बात ये अहमद था जो पीछे से अचानक आकर बोला था हाँ मैं पता नहीं क्यों संजीदा हो गया अब तो ले आओ जाकर उसे यार हाँ जा रहा हूँ कुछ दिनों में तुम अंदर आओ राबेल वहीं क्यों खड़ी हो गई मैंने राबेल को वहीं एक जगह खड़े देखा तो कहा वो खामोशी से अंदर आ गई उस रोज़ राबेल के वापस जाने के बाद अहमद फिर से मेरा दिमाग खाने लगा यार तुम राबेल से बात करके तो देखो मेरे लिए करूंगा लेकिन पता नहीं वो माने या नहीं क्या तुम नहीं चाहते अशद के राबेल की मुझसे शादी हो जाए उसने अचानक पूछा तो मैंने अचंभे से उसे देखा क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से मैं जब भी तुमसे कहता हूँ तुम टाल मटोल करने लगते हो तुम खुद क्यों नहीं बात कर लेते अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हो किसी गांव में नहीं कि खुद से बात करते शर्म आएगी मेरा लहजा तीखा हो गया हाँ शायद अब यही करना पड़ेगा उसने अजीब से अंदाज़ में जवाब दिया तुम खुद तो शादी करने जा रहे हो लेकिन मेरे लिए वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया प्लीज़ अहमर आगे कोई फजूल बात मत कहना मैंने अब तक राबेल से इसलिए बात नहीं की कि मैं उसके नज़रियात जानता हूँ उसने यहाँ के माहौल में भी ख़ुद को एक अमानत की तरह संभाल कर रखा है वो अपने लिए शोहर भी ऐसा ही चाहेगी बस यही बात मेरा हौसला पस्त कर देती है ठीक है अब मैं खुद उससे बात करूंगा फिर वैसे भी यहाँ उसे और कौन पार्सा मिलेगा शादी तो किसी ना किसी से करेगी वो उसने बात खत्म करते हुए कहा और मैं भी मजीद कुछ नहीं बोला मुझे नहीं मालूम कि अहमद ने कबराबेल से बात की और उसने क्या जवाब दिया क्योंकि इन दोनों में क्योंकि इन दिनों मैं खुद अपने मसले में उलझा हुआ था रिदा के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे और उसका इसरार था कि मैं पाकिस्तान आकर उसके घर वालों से बात कर लूं वरना वो मजीद उन्हें रोक नहीं पाएगी अच्छा ठीक है मैं अब्बा जी से बात करता हूं वो जाएंगे अम्मी को लेकर तुम्हारे घर तीन चार महीनों तक मेरा पाकिस्तान आने का इरादा है तब शादी हो जाएगी ठीक है लेकिन प्लीज़ तुम उन्हें समझा लो अब की बार हुई अब की बार बात हुई तो मैंने रिदा को समझाया ठीक है लेकिन उससे ज्यादा नहीं तुम नहीं जानते अर्षद लड़कियों के लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल होता है बार बार आने वाले रिश्तों को बहाना बनाकर टालती हूँ घर वाले अलग शक में पड़ जाते हैं मैं समझता हूँ मैं आज ही अब्बाजी से बात करूँगा तुम फिक्र मत करो उससे फोन पर बात करने के फ़ौरन बाद मैंने पाकिस्तान अपने घर फ़ोन मिलाया इतफाक से अब्बाजी ने ही फ़ोन उठाया था मैं पहले इधर उधर की बातें और सबकी खैरियत मालूम करता रहा इतना अरसा बाहर रहने के बावजूद मुझे एक अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी आपा या नैनी बाजी होती है तो उनसे बात कर लेता लेकिन अब दोनों अपने अपने घरों की हो चुकी थीं और जब बड़ी मुश्किल से मैंने अब्बा जी को अपना मुद्दा समझाया तो वो हल्की से नाराजगी लहजे में समोकर बोले इतनी जल्दी अभी कहाँ मुमकिन है ये सब अभी दो शादियां निपटा कर बैठा हूँ इतना खर्चा हो जाएगा तुम्हारे तो आने जाने में अलग खर्चा होगा फिर अभी घर की कंस्ट्रक्शन शुरू की है सब बीच में रुक जाएगा वो अब्बा जी उनके अंदाज पर मेरी हिम्मत टूट गई लेकिन हिम्मत करना तो थी चंद माह बाद मैं तो वैसे भी आने वाला था पाँच साल हो चुके हैं मैं सबसे मिलने के लिए चर्च रहा हूँ फिलहाल सादगी से निकाह हो जाएगा दरअसल रिदा के घर वाले मजीद नहीं रुकेंगे कितना पुराना सिलसिला है ये तुमने किसी को बताया तक नहीं अपनी माँ को भी नहीं फिर पता नहीं वो लोग कैसे हैं लड़की कैसी है क्या खानदान है सॉरी अब्बा जी मैं इस वक्त किसी को बताने की पोजीशन में नहीं था वैसे आप मतमईन रहें रिजा अच्छी लड़की है हम सब में एडजस्ट कर लेगी ठीक है देखते हैं मुझे लगा वो टाल रहे हैं जबकि इस काम का फौरी होना ज़रूरी था प्लीज़ अब्बा जी ये काम जल्दी करना है मैंने कहा तो वो जिनजला गए ठीक है अपनी माँ से बात करो उसे समझाओ ये आजकल की औलाद माँ बाप को तो कुछ समझती ही नहीं खुद मुख्तार हो गई है अपने फ़ैसले खुद करती फिरती है उन्होंने बड़बड़ाते हुए फोन अम्मी को पकड़ा दिया ये क्या सुन रही हूँ मैं अर्शद कौन लड़की है कब से जानते हो तुम उसे अम्मी भी खफा होने लगी मेरे अंदर कुछ टूट सा गया मैं यहाँ पर देश में उन सबकी खातिर पड़ा हुआ था ये मुल्क यहाँ के लोग यहाँ का माहौल कुछ मेरा पसंदीदा नहीं था लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए मैं यहाँ और रात मेहनत कर रहा था कुछ अपने लिए भी बचा कर रखूँ ये मेरे जहन में कभी नहीं आया था दो दो नौकरियाँ करने के बावजूद मेरे पास सिर्फ अपने खर्चे की हद तक रख कर बाकी सब कुछ पाकिस्तान भिजवा दिया करता था लेकिन आज मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश उनके लिए मसला बन रही थी मेरे साथ पढ़ती थी अम्मी अच्छी लड़की है आप जाकर मिल लें उसके घर वालों से लेकिन बिना जाने बुझे और फिर अभी तुम्हारी शादी कोई ऐसी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई तुम्हारी मुश्किल तीस साल के हो तीन चार साल और तुम्हारी शादी अभी मुमकिन नहीं है देखो बेटा दो दो शादियाँ फिर घर का खर्चा फहद अहद और आसिया की पढ़ाई घर पर भी काफ़ी लग रहा है माँ दुनिया का वाहिद रिश्ता है जो खुदगर्जी से मुबरा होता है आज से पहले मेरा यही ख्याल था लेकिन अम्मी की आज की बातों से मेरा यह ख्याल भी गलत साबित हो गया मेरे लिए ना सही लेकिन रिदा के लिए मजीद रुकना मुश्किल है अम्मी अगर मजीद देर हुई तो उसके घर वाले कहीं और रिश्ता तय कर देंगे उसका और मैं फिर आप मुझे खो देंगी अम्मी जाने मेरे लहजे में क्या था अम्मी नरम पड़ गई ठीक है बेटा जैसा तुम कहो मैं करती हूँ बात और अम्मी ये सोच कर जाइएगा कि आप वहाँ रिदा को और उसके घर को पसंद करने नहीं जा रही बल्कि रिश्ता तय करने जा रही हैं वो जैसी भी है मुझे पसंद है जाने क्यों मेरी आवाज़ में सख्ती आ गई थी अम्मी भी शायद समझ गई थी कि अब इस हद तक आगे जा चुका हूँ कि वापसी मुमकिन नहीं है जो जल्द ही व रीता के घर मेरा रिश्ता लेकर पहुंच गई उसके घर वालों के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा था लेकिन वो री की वजह से समझ रहे थे कि हमेशा की तरह वो इस रिश्ते में भी कीड़े निकाल कर इनकार कर देगी लेकिन जब वह बाह आसानी मान गई तो उन्होंने इतमीन का सांस लिया निका मेरे पाकिस्तान वापस जाने पर तय हुआ था उस दिन मैं बे खुश था जिस दिन आपा का पाकिस्तान से फ़ोन आया वो मुझे मुबारकबाद दे रही थीं बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम हवा तक नहीं लगने दी

दरवाजा खोलने वाली वही थी मुझे यूं रात गए देख वो हैरान रह गई सॉरी काफी रात तो हो गई है कहो तो चलो ओ नहीं आइये अंदर जाने क्यों वो इतना अरसा उधर जाने के बावजूद मुझसे आप आ, से ही बात करती थी कई बार मैंने कहा कि अब हमारी दोस्ती बहुत पुरानी हो चुकी है तो ये आप जनाब का तकल्लुफ़ कैसा लेकिन वो इनकार कर देती थी दरअसल मैं सुबह तक सबर नहीं कर सकता था अहमर भी दो दिन से ह्यूस्टन गया हुआ है मैं इतनी बड़ी खुशी किसी से शेयर करना चाहता था मैंने मिठाई का डब्बा उसे थमाते हुए कहा तो वो सवालिया नजरों से मेरी तरफ़ देखने लगी आपा का फ़ोन आया था कुछ देर पहले उन्होंने बताया कि रिदा से आपकी बात तय हो गई है और आप दोनों जल्द शादी करने वाले हैं उसने मेरी बात काट कर मुस्कुराते हुए कहा तो मैं हैरान होकर उसे देखने लगा तुम्हें कैसे मालूम आपके चेहरे पर फैली हुई खुशी और मुसरतों के रंग बता रहे हैं रिदा ही तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है ना तुम वाकई बहुत अच्छी दोस्त हो राबेल ठहरिए मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ फिर इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे आपने खाना खाया वो जाते जाते मुड़ी लेकिन उसकी बल्कि झुकी हुई थी हाँ मैंने आज जल्दी खाना खा लिया था मेरे जवाब पर वो फ़ौरन अंदर चली गई मैंने सोफे पर बैठकर अपना सर उस पर टिका कर आँखें बंद कर ली मैं जानता था बजहिर मेरी खुशी में वो खुश है लेकिन उसके अंदर उम्मीद की आखिरी किरण भी आज बुझ गई है मैंने कई बार उसके चेहरे पर साफ साफ अपना नाम लिखा देखा था वो मेरे और रिदा के ताल्लुक को जानती थी इसीलिए उसकी जानब से कभी कोई पेश नहीं हुई थी लेकिन दिल ये दिल कब किसी की सुनता है मैं उसे कोई दुख नहीं देना चाहता था लेकिन मजबूर था जब को जब वो कॉफ़ी के साथ वापस आई तो बहुत हद तक नॉर्मल हो चुकी थी उसने मुझे खुश दिली से मुबारकबाद दी थी बार बार खुशी का इजहार किया था तुमने अपने बारे में क्या सोचा है राबेल अब तुम्हें भी कोई फैसला कर लेना चाहिए कॉफ़ी पीने के दौरान मैंने अचानक पूछा तो वो चौंक गई कभी कोई अच्छा ही नहीं लगा इस तरह वो मग में तैरती कॉफ़ी को घूरती रही लेकिन अब लगना चाहिए इन कामों का भी एक वक्त मुक्रर होता है ज़िंदगी के खूबसूरत साल यूँ ज़ाय करने के लिए नहीं होते तुम्हारे साथ तो कोई मसला भी नहीं मैं उसे समझाने लगा मैं खुद जो सबसे बड़ा मसला हूँ वो हंसी टूटी हुई हंसी प्लीज़ रेल मैं तुम्हें कॉफ़ी काफ़ी दिनों से बताना चाहता था अहमद तुम्हें बहुत पसंद करता है तुमसे शादी करना चाहता है वो अहमर उसने तेज़ी से मेरी बात काटी अहमर आपका दोस्त है लेकिन बहुत मुख्तफ आप मेरे नज़रियात अच्छी तरह से जानते हैं फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं वो अब काफ़ी बदल गया है राबेल पहले शायद मैं खुद उसे मुनासिब नहीं समझता तुम्हारे लिए लेकिन अब मैंने महसूस किया है कि उसने अपने पुराने मुशागिल तर कर दिए हैं लेकिन ज़िंदगी का साथी बनाने के लिए मैं अहमद जैसे लोगों को मुनासिब नहीं समझती प्लीज़ अर्शद अब कुछ और मत कहिएगा अपने दोस्त की सफाई में उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया ओके okay, जैसे तुम मुनासब समझो मैंने हथियार डाल दिए रीता को कब ला रहे हैं फिर आप यहाँ उसने मौजू बदला तीन महीने बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ तब निकाह हो जाएगा वहीं से उसके कागजात तैयार करके ले आऊँगा फिर देखो कितने दिन लगते हैं उसको बुलाने में बेस्ट ऑफ लक उसने खलूस से कहा अहमर को मैंने बता दिया था कि अभी फ़िलहाल राबेल राज़ी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा मेरी इस बात पर वो कुछ देर के लिए चुपसा रह गया था उसे शायद मेरा जवाब पसंद नहीं आया था इतना सा काम था यार और तुम उसे राज़ी ना कर सके ये इतना सा काम नहीं है मगर मैंने हैरत से उसे देखा सारी ज़िंदगी है तुम्हारी और उसकी तुमने सोच लिया और वो भी खुद को राज़ी नहीं कर पा रही कर पाई तो देर नहीं लगाएगी तुम चाहते तो उसे राज़ी कर सकते थे वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है तुम्हें तो बहुत मानती है उसके लहजे में जाने क्या था मैं कुछ देर के लिए खामोश रह गया दोस्ती अलग बात है लेकिन ज़िंदगी के फैसले अलग वो और तुम कहते कि रिदा से शादी ना करो तो क्या मैं मान जाता हालांकि तुम दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हो मैंने खुद जो मुनासिब समझा किया हाँ रवेल को तुम्हारे लिए समझाया जरूर जा सकता है ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती फिर भी मैं कोशिश करूंगा बाकी वो जो अपने लिए मुनासिब समझे मुझे अहमर का अंदाज़ और उसके अल्फाज अच्छे नहीं लगे थे इसलिए ना चाहते हुए भी मेरा लहजा रूखा हो गया तुम शायद बुरा मान गए मैंने तो इसलिए कहा था कि तुम दोनों की बहुत दोस्ती है तुम उसे समझा सकोगे उसने फौरन अपने रवैये की तोसी की लेकिन मेरा उसकी ज़िंदगी पर कोई इख्तियार नहीं है सवाए इसके कि वो मेरी अच्छी दोस्त है उस रोज़ अहमद के रोये ने मुझे समझाया कि वो जितना भी बदल जाए अंदर से वैसा ही रहेगा फिर दिन उंगलियों पर गिन गिन कर गुजरने लगे मैं कितने दिनों बाद पाकिस्तान जा रहा जा रहा था मेरा वतन मेरा शहर उसकी गलियां मेरा घर और सब घर वाले कितना नया अजीब लगेगा सबको सब कुछ मैंने सालों की जमाशुदा चीज़ें निकाली आहिस्ा आहिस्ता पैकिंग शुरू कर दी यूं जाने से एक दिन पहले मेरी सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी अहमर और राबेल मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे अहमर की मायने खेज गुफ्तू पर अक्सर राबेल के चेहरे पर नागवार सी लहर उभरती फिर मदूम हो जाती वो उसकी बातें मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी वापस आकर इस अहमक अहमर क... को समझाऊंगा इस तरह तो ये और भी राबेल से दूर हो जाएगा मैंने सोचा फ्लाइट की रवानगी की अनाउंसमेंट हुई मैं उन दोनों से रुखसत होकर अंदर आ गया अपनी सीट पर बैठ कर मैंने जू ही आँखें मूँदी राबेल का वजूद मेरे सामने आ खड़ा हुआ ये क्या मैंने घबरा कर आके खोल दी उस वक्त तो रिदा का तस्वुर मेरे साथ होना चाहिए था परेशान हूँ मैं उसके लिए वो मेरी अच्छी दोस्त है और बस मैंने खुद को समझाया और जहन को झटक कर अपने बैग से एक मैगजीन निकाल कर पढ़ने लगा घर में तो वाकई सब कुछ ही बदला हुआ था नया फर्नीचर आरइश की नई चीज़ें घर वालों के सेहतमंदी से चमकते चेहरे आसाइश एक एक शय से छलक रही थी सब ने कीमती लिबास लिबासेवतन किए हुए थे सब ने मुझे चारों जानब से घेरा हुआ था मैं सबसे मिल रहा था उनके तहाइफों ने थमा रहा था कितना खूबसूरत हो गया है मेरा बच्चा दादी अम्मा तो बार बार बुलाई लेती ना थक रही थी हाँ तो वहाँ की ताज़ा आबो हवा खालिश गज़ा आराम सुकून बंदा ऐसा ही फ़्रेश हो जाता है आपा के मियाँ फैज़ भाई बोले आराम की तो मत कहिए फैज़ भाई जान मारनी पड़ती है फिर अकेला बंदा घर को भी देखे बाहर भी थके यहाँ की आराम तलबी की आदत एक दिन में छूट जाती है बोरी भरकर नोट यू ही बोरी भरकर नोट ही नहीं मिल जाते नैनी बाजी के मियाँ खालिद भाई ने भी बोलना ज़रूरी समझा क्यों अशर ठीक कह रहा हूँ ना हाँ ये तो ठीक है मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है मैं रात गए तक काम करता हूँ दो दो नौकरियाँ करता हूँ तब इतना मिल पाता है मैंने जवाब दिया हाय मेरा बच्चा दादी अम्मा तो जैसे तड़प गईं भाड़ में गए ऐसे पैसे जिसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़े लीजिए तो ये सब रौनक यूं ही तो नहीं नज़र आ रही अम्मी बोली किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है खैर अब तुम सब अपनी अपनी, अपनी चीज़ें ले खैर अब तुम सबने अपनी, अपनी अपनी चीज़ें ले ली हो तो खाना लगाऊँ हाँ अम्मी आपके हाथ का खाई जैसे सदियाँ गुजर गईं मैंने लाट से उनकी गोद में सर रख दिया तो वो मेरे बालों में उंगलियाँ फेरने लगी कल आएंगे तुम्हारे ससुराल वाले मैंने जो मैंने उनको इतला कर दी थी उन्होंने कहा तो मेरा जी चाहा फौरन उठकर रीता का फ़ोन करूं लेकिन सबके ख्याल से सबर करके बैठा रहा अभी सब खाने की मेज़ पर ही जमा था कि आपा ने इतला दी अर्शद तुम्हारे किसी दोस्त का फ़ोन है सुभान नाम बता रहा है सुभान मैं जहन पर जोर देने लगा जाओ भाई वो होल्ड किए हुए है उन्होंने फिर कहा मैं उठ गया वो पीछे पीछे आ गई बेवकूफ़ ये महफिल तो जाने कब तक जमी रहेगी तुम रीता को फ़ोन कर लो वरना वो नाराज़ हो जाएगी कि आकर भी फ़ोन नहीं किया मुझे उन पर प्यार आ गया वो वाकई बहुत प्यारी बहन थी रीता वाकई मेरे फ़ोन के इंतजार में बैठी थी चार घंटों से फ़ोन पर चिपकी बैठी हूँ अब फुर्सत मिली है सॉरी तुम्हें तो मालूम है सब जमा है अभी आपा ने तुम सुनाओ कैसी हो शादी की तैयारियां चल रही हैं मेरे लहजे में प्यार उमट आया हां उसका लहजा भी मुस्कुरा रहा था कब मिल रही हो तुम्हें तो देखने को तरस गया हूं जब कहो सुबह ऑफिस आ जाओ वहीं से चलते हैं कहीं यूँ दूसरे दिन सुबह ही मैं घर वालों से किसी काम का कहकर उसके ऑफिस चला आया वो वैसी ही थी बेहद हसीन दिलकश नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत मैं कितनी ही देर तक एक टिक उसे देखता रहा बस करो अब ये ऑफिस है पहली बार उसे मेरे यूं देखने पर शर्म सी आ गई थी उठो फौरन मुझे बहुत सी बातें करनी है तुमसे मैं उसे लिए हुए शर्टन चला आया हमने नस्पतान खामोश एक कोने की मेज़ मुंतखब की थी क्या है अर्शद मुझे अजीब सा लग रहा है मेरे मुसलसल देखते रहने पर उसके चेहरे पर गुलाबी साए फैल रहे थे बस अब एक दिन नहीं रुकूंगा मैं कल ही पागल हो हुए हो इतनी जल्दी अभी तो वह घबरा कर कहने लगी हाँ पागल हो गया हूँ इतने साल तुम्हें देखे बिना गुजार दिए और अब मजीद सबर नहीं है मेरे पास तुम कितने दिन हो यहाँ और तीन महीने के लिए आया हूँ फिर मुझे साथ ले जाओगे ना नहीं अभी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है रिदा कुछ दिन लगेंगे मैं वहाँ जाकर ही बुला सकूँगा तुम्हें मैं तो चाहता था कि अब ना जाऊँ यहीं कुछ कर लूँ लेकिन यहाँ वो वहशत ज़्यादा हो गई यहाँ क्या रखा है अर्शद क्या मिल जाएगा तुम्हें वहाँ तुम सेट हो इतना अच्छा कमा रहे हो एक अच्छा माहौल है लोग यहाँ से भागने की सोचते हैं तुम वापस आना चाहते हो नहीं रिदा तुम नहीं जानती जिंदगी वहाँ कितनी मुश्किल है वहाँ का माहौल ज़िंदगी गुजारने का तरीका हम तो समझदार लेकिन हमारी आने वाली नस्लें उन्होंने अगर वहीं आँख खोली तो उन्हीं के रंग में रंग जाएंगी तो उसने मेरी बातों पर हैरानी से मुझे देखा वो तरक्की याफ्ता कौम है हमारे बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलेगा वो अच्छा माहौल कति नहीं है मैंने इससे जांच किया सिर्फ आसाइशें अच्छा माहौल नहीं होती हमारे कुछ असूलो हैं तौर तरीके हैं अदबो आदाब हैं हम उन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो हमारे लिए बेहतर है बहुत मुश्किल है रिदा कीचड़ में चलना और अपने लिबास को आलूदा होने से बचाए रखना बहरहाल फिर भी वो हमसे बेहतर है यहाँ की कीड़ों मकोड़ों वाली ज़िंदगी से वहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी है मैं वहीं रहना चाहती हूँ उसने कतई अंदाज़ में कहा तो मैं ठंडी सी सांस भर कर रह गया और अगर मैं अमेरिका नहीं जा पाता तो कुछ देर बाद मैंने पूछा तो मैं शादी के बाद कोशिश करती बाहर के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में ज़िंदगी गुजारना मेरा पुराना ख्वाब है ये तो मेरी किस्मत है कि तुम पहले ही बाहर चले गए तुम्हें तो बाहर रहना क्यों पसंद है रीजा मैंने इंतहाई संजीदगी से पूछा बाहर क्या नहीं है ख़ालिश चीज़ें अच्छा माहौल आसाइशें तालीम के अच्छे मौाक़े यहाँ क्या रखा है यहाँ क्या रखा है मैं चिड़ गया नफरत है मुझे इस जुमले से ये क्यों कहते हो तुम सब लोग ये हमारा वतन है कैसा भी है बेशक हमें यहाँ आसाइशें ना मिलें लेकिन यह हमारा वतन है एतबार यकीन अपनाइत का एहसास अपने होने का मान सब कुछ यही मिलता है तुम ख्वा मुखा जजबाती हो जाते हो इस मौजू पर उसने जैसे मेरी बातों का कोई असर ही नहीं लिया मैं जज्बाती नहीं हो रहा खैर हम लोग इतने सालों बाद इस बहस के लिए नहीं मिले कोई और बात करते हैं मैं अब बुरी तरह उता चुका था नज़रियाती फ़र्क कहीं दिलों में फ़ासला न बन जाए इसलिए बेहतर था कि इस मौजू को ख़त्म कर दिया जाए फिर हमारी शादी हो गई और मैं उसे छोड़कर वापस वहीं आ गया जहाँ रहना मेरी मजबूरी थी खुशी नहीं फिर कुछ कुछ फिर कुछ कोशिशों के बाद मैंने उसे वहीं बुला लिया और आज वो मेरे पास पहुंच रही थी तुम नहीं समझ सकते अशद आज मैं कितनी खुश हूँ एयरपोर्ट पर मुझसे मिलते ही उसने पहला जुमला अदा किया क्यों मैंने उसके खुशी से चमकते चेहरे को देखा मुझे यकीन था वो कहेगी क्योंकि तुम यहाँ हो मैं कब से इस जुदाई को सह रही थी और अब हम और अब हम एक साथ रहेंगे लेकिन उसने कहा क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क में जिंदगी गुजारना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है मैं इसे पहले सिर्फ सोच सकती थी ख्वाब देख सकती थी लेकिन आज आज मैंने यहाँ कदम रख दिया है मेरा सारा जोश सारे अरमान दम तोड़ गए तो फिर उसके लिए तुम्हें मेरा इतना इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी तुम तो इतनी खूबसूरत हो तुम्हें किसी भी ग्रीन कार्ड होल्डर का रिश्ता मिल सकता था नहीं भाई शादी तो तुमसे ही करना थी उसके चेहरे पर मोहब्बतों के रंग फैल गए अहमर से तो उसकी उस रोज़ मुलाकात हो गई थी लेकिन राबेल से वो दूसरे रोज़ मिली जब उसने हमें अपने घर पर इनवाइट किया था अहमर भी हमारे हमरा था राबेल के मम्मा ने कुछ देर हमारा साथ दिया फिर सोने चली गईं अशद राबेल तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी है जितनी तुमने उसकी तारीफ़ें की थी खाने के दौरान रदा ने अचानक कहा राबेल के चेहरे पर साया सा गुजर गया ये कोई हमसे पूछे अहमद अहमर बोला राबेल ने यहाँ मेरा बहुत ख्याल रखा लिदा वरना तो मैं इतना तवील अर्सा यहाँ ना गुजार पाता मैं संजीदीदगी से कहने लगा ज़िंदगी में अच्छे साथी और अच्छे दोस्त का मिल जाना एक नहमत होती है रिदा तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें एक अच्छा साथी मिला और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे एक अच्छा दोस्त राबेल भी संजीदा हो गई घर वापस आकर जब हम सोने की तैयारी कर रहे थे रदा अचानक पूछ बैठी हैरत है अशद तुम्हारी राबेल से इतनी दोस्ती है सालों से लेकिन तुमने कभी उसके बारे में ख़त्मे नहीं लिखा मुझे मैं गड़बड़ा सा गया मैंने ज़रूरी नहीं समझा फिर तुम इतनी दूर थी इस बेजर सी दोस्ती को जाने के आरंग दे देती इसलिए सोचा जब यहाँ होगी तो खुद ही देख लोगी लेकिन तुम्हारे दिल में चोर तो नहीं था वो हंसी दिमाग खराब है तुम्हारा तुम्हारे बाद किसी और की गुंजाइश थी क्या फिर वो बहुत मुखलिस और अच्छी लड़की है यहाँ की लड़कियों से बेहद मुखलिफ बेहद सुलझी हुई तुम्हें तो मेरा मिजाज मालूम है यहाँ इस तरह के लोग नापैद हो चुके हैं जब कोई ऐसा शख्स नज़र आया मेरी उससे दोस्ती हो गई मैंने ये नहीं सोचा कि वो लड़की है या लड़का तुम अब यहाँ आ ही गई हो तो कुछ अरसे में यहाँ का माहौल भी जान लोगी बहुत मुश्किल है यहाँ रहकर खुद को बचा पाना और तुम्हारे अशद ने इतने सालों यहाँ तनहा रहकर भी खुद को तुम्हारी अमानत कर अपने एक एक लम्हे की हिफाजत की है मैं इंतहाई संजीदा हो चला था जानती हूँ वो मेरे नज़दीक आई और मैंने उसे खुद में समेट लिया मैं तो मजाक कर रही थी भाई तुम ख्वा मुखा संजीदा हो गए दरअसल तुम मेरे अलावा किसी और को देखो ये मुझसे कहाँ बर्दाश्त होगा ख्वाह महज दोस्ती ही हो उसने जता ही दिया मैं ठंडी सी सांस भर कर रह गया यानी अब वो दोस्ती ख़त्म होने के दिन आ गए थे फिर यही हुआ आहिस्ा हिस्सा मैंने राबेल से मिलना या उससे ताल्लुक को बहुत कम कर दिया वो ख़ुद भी कम आती थी बहुत समझदार और मामला फहम लड़की थी उसने लिदा की आंखों में अपने लिए गैरियत देख ली थी उसके दिल में भी गुंजाइश कम थी बहरहाल मेरी बीवी थी आ, बीवियों की तरह यकीनन वो भी अपने शोर की एक लड़की से दोस्ती कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी ये कुछ ऐसा अजीब भी नहीं था हाँ वो रबेल और मेरी दोस्ती को कबूल कर लेती तो अजीब होता शायद लेकिन उस रोज़ जब रबेल की सालगिरह थी मैं खुद को रोक नहीं सका वापसी में मैं उसके लिए कार्ड बुके और एक कीमती ब्रेसलेट लिए लौटा तो रिदा का रवैया ये जानकर सरसा हो गया कि यह सब चीज़ें मैं राबेल के लिए लाया हूँ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ हम लोग सरप्राइज़ देंगे उसे मैं हमेशा उसे बगैर चला दिए पहुँचता हूँ मैं वाशरूम की तरफ जाता हुआ बोला मेरे जाने की क्या जरूरत है तुम खुद चले जाओ मैं अकामाम खा और पीछे से बोली मेरे कदम रुक गए मैंने पलट कर उसे देखा क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से कुछ नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना ही मेरा मूड है कि हर अरे गहरे उसका मूड अजीब सा हो रहा था तुमने इस तरह क्यों कहा रिदा वो एक लड़की है ये भूल जाओ अगर उसकी जगह अहमद या कोई और दोस्त होता मेरा मैंने उसकी बात काट दी वो एक लड़की है मैं क्यों भूल जाऊँ वो फट पड़ी मर्द और औरत की दोस्ती सिर्फ एक नोयत की होती है जैसी मेरी और तुम्हारी थी लेकिन वो जाने क्या कहना चाहती थी तुम नहीं चाहती कि मैं उससे कोई ताल्लुक रखूं मैंने इनतहाई संजीदगी से उसकी आंखों में झांका मैं ही क्या कोई कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शोर ऐसी नाम नहाद दोस्तियाँ पालता फिरे हाँ ठीक कहा तुमने उससे रब्त बढ़ाते वक्त मेरे जहन से निकल गया था कि मैं बाद में उससे दोस्ती निभा पाऊंगा या नहीं दरअसल इन दिनों में शदीद तन्हाई का शिकार था अहमर भी यहाँ यहाँ नहीं था और मेरे नजरियात मेरी सोचें मुझे मजीद ताल्लुक़ बढ़ाने से रोक रही थी इस घटा टोप अंधेरे में मुझे रबील की एक रबील एक किरण की तरह नजर आई मेरी जैसी सोच मेरी तरह के नज़रियात की हामिल एक शख्सियत यकीन करो उस वक्त मैं ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो एक लड़की है बस हालांकि यह हम मुझे बहुत उकसाता था कि यहाँ तनहा इस तरह की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है मैं इंजॉय करूँ लड़कियों के साथ घूमू फिरूँ उससे भी आगे बढ़ जाऊँ तो कोई हर्ज नहीं लेकिन मैंने खुद को तुम्हारी अमानत समझा हमेशा वो कहते कहते रुक गया मेरी ज़िंदगी की साथी मुझे नहीं समझ पाई थी मुझे इसका दुख नहीं था वो एक औरत थी कोई कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसका शोहर अपनी माजी की दोस्ती को बाद में भी निभाता रहे अगर रीता को बुरा लग रहा था तो कोई अनोखी बात नहीं थी मुझे तो बस इतनी मुखलिस और अच्छी दोस्ती के खत्म होने का मलाल हो रहा था और उस रोज़ हम राबेल की तरफ नहीं गए मुझे मालूम था वो हमारी मुंतजर होगी उससे दोस्ती के बाद कोई उसकी सालगिरह ऐसी नहीं गुजरी थी जब मैंने उसे मुबारकबाद ना दी हो मेरा जी चाहा उसे कम अज कम एक फ़ोन ही कर लूँ ना आने का कोई बहाना करके उसके इंतजार को खत्म कर दू लेकिन रिदा की नाराजगी मुझे गवारा नहीं थी और अब मैं उसे मजदूर कोई दुख भी देना नहीं चाहता था लेकिन एक रोज़ मेरी वार्ड की सफाई करते हुए रिदा के हाथ राबेल के दिए हुए कई कार्ड्स लग गए ये कार्ड्स उसने मुझे बहुत से मौक़ों पर दिए थे हालांकि वो वहाई सादा आम से कार्ड थे जिसमें सवे मेरे और राबेल के नामों के अलावा वो कुछ नहीं लिखती थी कार्ड्स पर छुपी हुई तहरीरें भी बेहतर और आराम सी थीं खलूस का इजहार दुआएं विशिज़ और कुछ नहीं लेकिन रिजा ने उसे एक बड़ा मसला बना लिया क्या है ये सब उसने तमाम कार्ड मेरे सामने डाल दिए कार्ड्स हैं मैंने जवाब दिया वो तो मैं भी देख रही हूँ लेकिन ये सब क्यों संभाल कर रखे हैं उसके तेवर कड़े थे तो क्या खुशियों के मौक़ों पर मिले हुए कार्ड्स वगैरह को फेंक दिया जाता है मैंने उल्टा सवाल दाग दिया मुझे आज ठीक से ईमानदारी से इस दोस्ती की नौीयत बताओ अशद तुमने उसकी दी हुई हर चीज़ को संभाल कर रखा है अब तक क्यों आखिर कितनी चीज़ों पर किस शय में कहाँ कहाँ है वो तुम्हारी अलमारी उसकी दी हुई चीज़ों से भरी हुई है मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती वो दोनों हाथों में मुझ पाकर रोने लगी प्लीज़ रीता ऐसा मत करो देखो तो हाइफ़ और कार्ड्स को फेंका नहीं जाता तुम्हारे भेजे हुए कार्ड्स और खत भी मैंने उसी तरह संभाल कर रखे हैं संभाल कर रखे हैं मेरा ये कहना गजब हो गया मुकाबला करते हो उसका मेरे कार्ड्स और उसके दिए हुए कार्ड्स की अहमियत एक ही ही है क्या रोना चीख पड़ी ये मैंने कब कहा लेकिन मैं ऐसा मोहब्बतों अनायतों और यादों को संभाल कर रखने वाला जरा सी जहमत और करो तो पाकिस्तान से और सबके आए हुए कार्ड्स और खत भी मैंने एक एक रखे हुए हैं लेकिन तुम पता नहीं तुम्हें मुझ पर इतवार नहीं अपनी मोहब्बत पर भरोसा नहीं मैं भी तलक हो गया अपनी बेरार रवि को मेरी पाक मोहब्बत से मत मिलाओ अशद मैंने इतने साल वहाँ तुम्हारे इंतजार में गुजारे लेकिन ऐसी दोस्तियाँ नहीं की वक्त गुजारने के लिए उसके अल्फाज मुझ पर किसी बम के धमाके की तरह गिरे थे मैं कितनी ही देर तक कुछ बोल ना सका यही था तुम्हारा नाम इंतजार तुम यहाँ एक लड़की के साथ एंजॉय करते रहे मैं वहां तुम्हारे इंतजार में सुलगती रही कितने हाथों को नजरअंदाज किया तुम्हारी तरह ऐसी ही कोई कई, दो, कई दोस्तियां पाल लेती तो प्लीज विदा और कुछ मत कहना तुम वहा अपने लोगों में अपने वतन में थी मेरे और तुम्हारे हालात यख्त थे इस वक्त मुझे जो भी मुखलिस शख्स मिला मैंने उसका हाथ थाम लिया और अगर उसे भी आगे बढ़ना होता तो मुझे कौन रोक सकता था राबेल वाकई बहुत अच्छी और मुखलिस लड़की है उसे अपना कर कोई भी अच्छा शख्स अपने आप को खुश नसीब समझेगा लेकिन मैंने शुरू से ही तुम्हारे बारे में बता दिया था ना वो आगे बढ़ी ना मैं फिर भी तुम देखो रिदा मुझे बार बार सवाइयाँ देना पसंद नहीं है तुम इस मामले को ज्यादा ना बढ़ाओ और ना हम दोनों को दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा मैं उठकर वहाँ से चला आया जाने क्यों मैं इस वक्त तनहा रहना चाहता था हर शैसे उहट महसूस हो रही थी मैंने खुद को कितना संभाल कर रखा था लेकिन रिदा ने एक लम्हे में सब मट्टी कर दिया था क्या मोहब्बत इसी का नाम है बेतवारी की सरजमीन पर मोहब्बत के फूल कितने अरसे तक पिनप पनप सकते हैं वो ऐसी तो नहीं थी पहले या फिर मैं ही उसे ऐसा समझ नहीं पाया था जो कुछ भी था उसकी शख्सियत का ये रुख मेरे लिए बहुत तकलीफ दह था इसी वक्त मुझे एक अच्छे दोस्त की कमी बेहद महसूस हो रही थी लेकिन मैं अपार्टमेंट के कंपाउंड में अपनी पसंदीदा जगह पर आकर बैठ गया बस नई तालाब में तैरती बत्तखें इर्द गिर्द घूमते लोग बच्चों का शोर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्या बात है अर्शद क्यों बैठे हैं यहाँ उसी तरह इस तरह करीब से राबेल की आवाज़ उभरी तो मैं बुरी तरह चौंका तुम कैसी हो मैंने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई आज मैं कितना दिनों बाद उसे देख रहा था ठीक हूँ लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे रिदा तो ठीक है पाकिस्तान में सब खैरियत है उसके चेहरे और लहजे में तख्ीश थी हाँ सब ठीक है कभी कभी यूं ही भी तो उदास होने को जी चाहता है ना हाँ होता है ऐसा मेरे साथ भी होता है लेकिन आपको इस तरह नहीं करना चाहिए रिदा ने देखा तो परेशान होगी नहीं होती वो परेशान उसे मेरी परवाह कहाँ है जो मैं शायद सब बताने जा रहा था एकदम ख्याल आया तो खामोश हो गया छोड़ो तुम सुनाओ कैसी हो कितने दिनों बाद मिलना हुआ है तुमसे मैं गौर से उसके चेहरे को देखने लगा वैसा ही मुखलिस बेरिया और हमदर् चेहरा लेकिन उसके चेहरे की ताजगी आंखों की चमक गायब थी मुझे धचका सा लगा कहाँ खो गई थी वो क्या मेरी वजह से ठीक हूँ मैं एकदम फर्स्ट क्लास वो मुस्कुराई नहीं तो मुझे ठीक नहीं लग रही कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं तो उसने पलकें झुका ली अपने दिल का हाल मुझसे छुपाने के लिए वो हमेशा यही करती थी प्लीज़ राबेल मुझे बताओ देखो मैं पहले ही क्या बात है क्या अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहा जो तुम मुझसे छुपाओगी दोस्त उसने एक लम्हे के लिए मुझे देखा फिर सामने झील में तैरती बत्तों को देखने लगी कोई बात नहीं है बस मामा की जानिब से परेशान हूँ उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल क्यों क्या हुआ इन्हें तुमने चेकअप नहीं करवाया उनका पता नहीं क्या हो गया है तमाम टेस्ट रिपोर्ट शाम में मिलेंगी डॉक्टर्स कहते हैं कोई ख़ास बड़ा मसला नहीं फिर भी मुझे बहुत परेशानी है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तुमने मुझे बताया भी नहीं यूँ अकेले सब करती रही मैंने शिकवा किया फिर खुद ही शर्मिंदा हो गया इतने अरसे में मैंने कौन सा ताल्लुक रखा था उससे जो वो मुझे कुछ बताती कोई बात नहीं अशद सब ठीक है जवाबन उसे भी मेरी बेतनाइयों का शिकवा करना चाहिए था मेरी ला की यकीन उसके लिए दुख का बाइस होगी लेकिन वो जुबान पर नहीं लाई थी सब ठीक कहाँ है मैंने दुख से कहा मैं उस रोज़ तुम्हारी बर्थडे पर ना आ सका तुम्हें विश करने तुमने यकीन इंतज़ार किया होगा मैं उसके चेहरे पर कुछ खोजने लगा नहीं उसने गर्दन हिलाई अब आपकी शादी हो गई है उसके बाद आपका एक लड़की से दोस्ती निभाना यकीन मुश्किल होगा हम मशरक की लड़कियां ऐसी ही होती हैं रीता की जगह अगर मैं होती तो मैं भी उसे पसंद ना करती मैं समझती हूँ हमारी दोस्ती तो मैं कुछ और कहना चाहता था नहीं अशद हमारे मजहब में औरत और मर्द की दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं देखें अगर हम इस पर अमल करते तो आज हमें दुख ना होता लेकिन हम नहीं सोचते मेरे और आपके लिए बेहतर यही है कि हम इस दोस्ती को भूल जाएं। इस वक्त आपको एक हमदर्द साथी और दोस्त की ज़रूरत थी लेकिन आज नहीं है फिर इस ताल्लुक को ख़त्म ही हो जाना चाहिए वो इंतहाई संजीदा हो चुनी चली थी अच्छा अब मैं चलती हूँ फिर वो एकदम खड़ी हो गई राबेल मैं आऊँगा आंटी को देखने मैंने पीछे से कहा ज़रूरी नहीं है प्लीज़ राबेल मेरी तुम्हारी फैमिली से कुछ रिलेशन है मैंने इहतजाज किया ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी तुम्हारे पास नहीं आ रहा ये मेरा फ़र्ज बनता है कि फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा आंटी की रिपोर्ट देखने आऊँगा जवाब ने वो कुछ कहे भी ना वहाँ से चली गई मैं उसे जाते हुए देखता रहा फिर कुछ देर बाद वहाँ से उठाया मिलाए अपनी दोस्त से दरवाज़ा खोलते ही रिदा ने मुझे देखते हुए तंज किया मैं कोई जवाब दिए बगैर अंदर कमरे की तरफ जाने लगा ना मालूम उसे खबर हो गई थी या फिर वो वो यूँ ही कह रही थी तुम्हें तो यही सब करना था अर्शद तो मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी वो वबरोने लगी थी क्या किया है मैंने और क्या कर रहा हूँ मैं बुरी तरह झिझला गया तुम क्यों हर वक्त ये फसाद खड़ा किया रखती हो इतनी सी बात का फसाना बना लिया है इतनी सी बात वो चीख पड़ी मेरे मना करने के बावजूद तुम उससे मिलते हो उसकी यादों को संभाल कर रखा हुआ है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना मैं बार बार तुम्हें सिफाइयाँ पेश करना चाहता हूँ खुदा के लिए ज़िंदगी को मेरे लिए आज़ार ना बनाओ मेरे लिए कोई मुश्किल ना होता राभेल को अपनाना लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें अपनाने के ख्वाब देखे थे यहाँ इतने सालों तनह रहने के बावजूद किसी लग्जिश ने मेरे कदम नहीं लड़खड़ाए राभेल एक अच्छी दोस्त है और बस लेकिन तुम तुमने मुझ पर एतवार ना करके मेरी इन तमाम रियाजतों और मोहब्बतों पर पानी फेर दिया है झूठ बोल रहे हो तुम यहाँ वो तमाम अरसा तुमने राबेल के साथ एंजॉय करते हुए गुजारा उसके साथ घूमना फिरना तोहफों का तबादला होटलिंग रात गए तक उसे टेलीफोन पर बातें बल्कि रात गए तक उसका तुम्हारे अपार्टमेंट में रहना क्या ये सब नहीं हुआ और तुम कहते हो तुमने खुद को संभाल कर रखा क्या तो सोचो की भी हो जाती है आशा साहब और तुमने हर हर लम्हा अपने पूरे वजूद के साथ ख्यानत की मेरी मोहब्बत के साथ मैं वहाँ सिर्फ तुम्हारे तस्वूर तुम्हारे खतूत के सहारे सारी जिंदगी गुजारती ले रही लेकिन तुम यहाँ तुमने एक लड़की के साथ भरपूर वक्त गुजारा तुम इसे दोस्ती का नाम देते हो लेकिन वो महज दोस्ती नहीं थी बल्कि रिदा मैं ज़ोर से चीखा अगर आगे तुमने एक लफ्ज़ भी बोला तो बहुत बुरा होगा मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगा हाँ हाँ मारो मुझे अब तुम उसके लिए मेरे ऊपर हाथ भी उठाओगे उस पर जैसे गुस्से का दौरा पड़ गया तो मुझे सब कुछ भूलकर उसे संभालना पड़ा उस रोज़ कितनी मुश्किलों से मैं उसे मना सका था जाने क्यों अपने जहन में उसने राबेल के लिए जहर भर लिया था ज़िंदगी अजीरन हो गई थी हर फोन की घंटी पर वो तंज़िया कहती उठाओ फ़ोन तुम्हारी दोस्त का ना हो बाहर से आता तो कड़ी नज़रों से मुझे तोलती मुलाकात हुई ठीक तो है ना आपकी दोस्त खामोश होता तो सुनने को मिलता क्यों याद आ रही है उसकी अच्छा मूड होता तो कहती क्या बात है आज देख लिया था क्या उसे मैं अब उसकी इन बातों पर ज़्यादातर खामोशी को तरजीह देता लेकिन अंदर से बुरी तरह भर चुका था रिदा ऐसी नहीं थी या मैं ही उसे नहीं समझ सका था शख्सियत के असल पर्दे तभी उठते हैं जब हम उन्हें बढ़ते हैं इससे पहले तो सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आती है और मैं जो रिदा से इतनी दूर आकर भी नहीं बदला था अब उसकी कुर्बत मुझे बदलने पर मजबूर कर रही थी मैं उसे समझाना चाहता था उसे रोकना चाहता था लेकिन उसका रवैया मेरी तमाम तमाम कोशिशों पर पानी फेर देता था देखो रीदा खुदा के लिए इस तरह जिंदगी को जहनुम ना बनाओ इस तरह ना तुम खुश रह पाओगी ना मैं हम दोनों ने ऐसी जिंदगी गुजारने के ख्वाब नहीं देखे थे राबेल का ख्याल हर वक्त अपने दिमाग दिमाग पर सवार मत किया करो वो महज मेरी दोस्त थी तुम हमेशा से थी आज भी हो खुदा के लिए समझो इस बात को एक बार फिर जब वो इस मूड में थी मुझे राबेल का ताना दे रही थी मैं उसे समझाने लगा जानती हूँ मैं और दिमाग पर वो मेरे सवार नहीं बल्कि तुमने आज तक उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाला अब तक मिलते हो उससे वो जहर खुन लहजे में बोली इल्जाम मत लगाओ मुझ पर क्यों उस रोज़ तुम तो उसके साथ बातें नहीं कर रहे थे उसके घर नहीं गए थे उससे मिलने ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है बड़ी जल्दी दिमाग से निकल गया तुम्हारे उस रोज़ मैं गुस्से में बाहर जाकर बैठ गया था इतफाक़ से वो वो भी वहीं थी उसने बताया था कि उसकी मामा की तबीयत ठीक नहीं है उनके कुछ टेस्ट हुए थे इखलाकर मुझे उन्हें देखने जाना पड़ा हालांकि मुझे मना किया था राबेल ने लेकिन देखो रीता उसकी मामा सख्त बीमार है डॉक्टर्स ने ब्रेन ट्यूमर बताया है इन्हें उन्हें कुछ दिनों बाद ऑपरेशन है इनका दूसरे ही रोज़ हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी वो इस मौके पर तो दुश्मन भी काम आ जाते हैं वो हमारी हम वतन है पड़ोसी है और तुम्हारी दोस्त भी तो है वो फिर तंजिया मुस्कुराई तो मेरे जैसे पूरे वजूद में आग लग गई काश मैं पहले तुम्हारे इस रुख को जान लेता रिदा तो तो क्या तो क्या मुझसे शादी ना करते अब भी कौन सी मुश्किल है छोड़ दो मुझे वो चीखे तो मैं साकित रह गया कितनी बड़ी बात कह दी थी उसने मुझे क्या इसके लिए हमने एक दूसरे का इतने सालों इंतज़ार किया था तुम जानती हो तुमने क्या कहा है हाँ जानती हूँ यह तुम्हारे दिल की बात है रबल तुम्हारी जिंदगी का लाजमी जुज बन चुकी है आज भी तुम उसे भूल नहीं पाए उससे मिलते हो फिर मेरा क्या मुकाम तुम्हारी जिंदगी में क्यों छोड़ा क्यों रख छोड़ा है तुमने अपने घर में मुझे गलत गलत समझ रही हो तुम रीता मैं बेबसी से उसे फिर समझाने लगा क्या गलत है कहो तुम उससे नहीं मिलते भाग दौड़ नहीं कर रहे उसकी माँ के लिए इंसानियत भी कोई चीज़ है रीता जाने कौन भर देता है तुम्हारा दिमाग तुम क्या समझते हो यहाँ सब तुम्हारे ही हमदर्द हैं मुझे बताने वाले भी बहुत हैं उसने गुस्से में कहा कौन कौन है तुम्हारा हमदर्द मैं बुरी तरह चौंका रहने दो मैंने कुछ कहा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा मर तो दोस्तिया करता फिरे फिर कोई गलत बात नहीं उसके लिए औरत का कोई हमदर्द भी पैदा हो जाए तो शक करने लगता है इसका मतलब है कोई तुम्हें गलत बताता रहा है मेरे बारे में तभी तुम इस तरह देखो रिदा दूसरों के कहने में आकर अपना घर पर बात मत करो तुम मुझे आज से नहीं जानती क्या कोई उल्टी सीधी बात मेरे बारे में कहेगा तो तुम यकीन कर लोगी हर किसी की बात पर मैं क्यों यकीन करूंगी दूसरे मैं अपनी आंखें भी खुली रखती हूँ इतनी कम अकल नहीं हूँ मैं उसने कहा तो मैं ताब से उसे देख कर रह गया कम अकल और नासमझी तो थी वो जरा सा शक पर अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर रही थी लेकिन वो कौन था जो उसे गलत राह पर लगा रहा था मेरे बारे में गलत इतलात फ्राहम कर रहा था जिसे हमारे घर के टूटने से खुशी होती क्या ऑफिस में पड़ोस में कोई या फिर अहमर मेरे जहन में झमाका सा हुआ लेकिन वो ऐसा क्यों करता है वो तो मेरा दोस्त है मुझे ख्याल आया कि आजकल अहमर ने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है वो राबेल के सिलसिले में मुझसे नाराज़ था जब से मैंने उस पर वादे कर दिया था कि राबेल मेरे समझाने पर भी राज़ी नहीं हुई वो मुझसे कुछ बदगुमान हो गया था उसके रवैये की इस तब्दीली पर मुझे दुख तो ज़रूर हुआ था लेकिन इन दिनों में अपने मसले में उलझा हुआ था लिदा से उसकी बहुत जल्द बेतकल्लुफी हो गई थी मेरे जहन में ये ख्याल निकल गया कि वो मुझसे अब तक नाराज़ होगा लेकिन अहमद ऐसा क्यों करेगा मैंने अपने इस ख्याल को दिल से निकाल दिया एक रोज़ जब मैं तबीयत की खराबी की वजह से वक्त से पहले घर लौट आया था मैंने अहमर को अपने अपार्टमेंट से निकलते देखा मुझे देखकर वो बुरी तरह छटपटा गया शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो नज़र आई कहाँ होते हो आजकल मैंने गर्म जोशी से उसको गले लगा लिया यही हूँ मिलने आया था तुमसे से रीता ने बताया कि तुम आजकल देर से आने लगे हो उसने फौरी ख़ुद को संभाल लिया नहीं वही टाइमिंग्स हैं आज ज़रा तबीयत ख़राब थी जल्दी आ गया इसलिए तुम चलो ना वापस क्यों जा रहे हो बस यार जल्दी में हूँ फिर आऊँगा और वो तुम्हारी राबेल के क्या हाल हैं मैंने महसूस किया जैसे वो जान बुझ कर बुलंद आवाज़ में पूछ रहा हो ठीक है उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है आजकल हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम तो रोजाना जाते हो गए उन्हें देखने उसका अंदाज़ अजीब सा था मैंने चौंक कर उसे देखा नहीं टाइम ही नहीं मिलता अभी चार रोज़ पहले ऑपरेशन हुआ है इनका मालूम है वो लापरवाही से बोला तुम्हें भी जाना चाहिए उन्हें देखने क्या करूंगा जाकर बेटी तो लिफ्ट ही नहीं कराती जाने क्या समझती है ख़ुद को तुम्हें राबेल से मिलने नहीं बल्कि आंटी को देखने जाना चाहिए छोड़ो यार मुझे देखकर मुंह बन जाता है तुम्हारी इस राबेल का उसकी बातें मुझे बहुत बुरी लग रही थी लेकिन मैं नजरअंदाज करने पर मजबूर था अब शादी कर डालो तुम भी मैंने मौजू बदला कब तक इस तरह फिरते रहोगे क्या करूँ यार अच्छी लड़कियां तो तुम्हें मिल जाती हैं हमें कौन खास डालता है उसकी आवाज़ में रश हस्त और तंज ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया मैं उसके चेहरे को खोजने लगा कहता हूँ रिदा से यहाँ पाकिस्तानी लड़कियों में से किसी को ढूंढे तुम्हारे लिए हाँ पूछा था मैंने रिदा से मैंने आज पहली बार महसूस किया कि वो रिदा को रिदा भाभी कहते के वो रिदा को भाभी कहते कहते ये रिदा क्यों कहने लगा था फिर क्या कहा उसने मेरा लहजा भी तीखा हो गया कह रही थी यहाँ तो ढंग की लड़कियां मिलनी मुश्किल है मुझे मिल जाते आप पहले वो कहकर हंसा फिर मेरे चेहरे पर फैलती नाराजगी के साए देकर मजीद कुछ कहने से रुक गया क्यों बुरा लग गया पीछे से रिदा की आवाज़ उभरी फजूल बातें मत करो मुझे गुस्सा आ गया इसमें कौन सी बात फजूल है तुम इस राबेल के साथ वक्त गुजारते रहो उससे दोस्ती के दावे करते रहो कुछ फजूल नहीं क्या मुझे हक़ नहीं है कहने का करने का वो जाने अहमर के सामने ये सब सा बातें क्यों कर रही थी और मैं नहीं चाहता था कि हमारा कोई इकसलाफ उसकी नज़र में आए घर के झगड़े को घर में ही रहना चाहिए अंदर चलो ये जगह ऐसी बातों के लिए नहीं है हरगेज नहीं मैं उगता चुकी हूँ अब ये राबेल तुम्हारी ज़िंदगी से निकल क्यों नहीं जाती तुम कहना क्या चाहती हो रिदा कब है वो मेरी ज़िंदगी में तुम्हें कौम का वहम हो गया है प्लीज़ अहमद तुम ही समझाओ इसे मैं बेबसी से अहमद को देखने लगा मेरे समझाने से क्या होगा भाई क्या रीता की आंखें नहीं है या वो कान खुले नहीं रखती सब देखती है वो तुम तो आखिर राबेल को भूल क्यों नहीं जाते महमर की बात ने मुझे शशदर कर दिया कई लम्हे तक मैं कुछ बोल भी ना सका देखो अशद पहले की बात और थी लेकिन अब रीता तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुकी है उसके बाद तुम्हारा राबेल से वही पुराने ताल्लुकात रखना यह बददेनती है उसने फिर कहा वो दोस्त था मेरा मुझे अच्छी तरह जानता था परसों से मेरे मालूम मेरे मामूलात देख रहा था राबेल और मेरी दोस्ती की हद को भी जानता था उसे मालूम था कि मैं यहाँ रहते हुए भी सिर्फ रिदा का था लेकिन आज जब के रिदा मुझसे बदगुमान थी वो उसे समझाने की बजाय उकसा रहा था आज फैसला हो जाना चाहिए रिदा तुम साफ साफ बताओ तुम क्या समझती हो कि राबेल का मेरी जिंदगी में क्या मुकाम है और क्या मैं तुमसे कोई बेईमानी कर रहा हूँ मैंने इंतहाई संजीदगी से रिदा की जानिब देखा उसके माथे की रगें उभरी हुई थी तुमने मुझे धोखा दिया है शत तुम राबेल के साथ इतना आगे जा चुके हो कि तुम्हारे लिए अब उसके तालुक को ख़त्म करना मुमकिन नहीं है और मैं मैं कोई इतनी फालतू शाह नहीं हूँ जो जो तुम्हारी इस मोहब्बत के नजारे देखूँ और खामोश रहूँ तुम अगर ऐसा कर सकते हो तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ कोई कमी नहीं है मेरे लिए उसका लहजाना खुद भरा था हाँ उसका अंदाज़ा हो रहा है मुझे मैंने एक नज़र अहमर पर डाली तो वो सटपटा गया कब से पर गुला रहे हो तुम रीता को उसकी बदगुमानी यूं ही नहीं है 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 यह जो तुमने बोया था अब तनावर बन चुका है। लेकिन अफसोस तो यह है कि रिदा, तुम तो कि तुम मुझे जानती थी अच्छी तरह मैं चाहने के बावजूद अपने लहजे में उभरता दुख को ना रोक पाया काश जानती होती उसकी पलकें भी नम होने लगनी लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया और अंदर चली गई तुमने ये अच्छा नहीं किया है मर खूब दोस्ती निभाई तुमने क्यों मैंने क्या किया मुझसे रीता ने पूछा मैंने जो देखा था उसे सच सच बता दिया उसे अपने फेल पर जरा शर्मिंदगी नहीं थी क्यों क्या देखा था तुमने क्या मेरी और राबेल की दोस्ती महज अच्छे दोस्तों वाली दोस्ती नहीं थी मैं नहीं जानता लेकिन तुम्हारी वजह से वो किसी के साथ शादी के लिए तैयार नहीं है ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों पाबंद कर रखा है तुमने उसे मैंने उसे पाबंद नहीं किया ये महज तुम्हारा ख्याल है बहरहाल तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर तुम हमारे घरेलू मामलों में दखल ना दो और ना ही आइंदा यहाँ आने की जहमत करना मैंने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया इन दिनों रिता का रवैया और अजीब सा हो गया था वो मुझसे बहुत खफा नजर आती थी मैंने भी अब मजीद उसे समझाने का इरादा तर्ग कर दिया था वक्त और हालात खुद उसे सही और गलत का फ़र्क समझा देते लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी शक और बदगुमानी की राह पर इतनी आगे चल निकली थी कि उसे वापस लाना मेरे लिए अब नामुमकिन हो रहा था उस सब का मैंने एक ही हल निकाला कि यहाँ रहने के बजाय वाप, वापसी का सोचूं हम लोग पाकिस्तान वापस जा रहे हैं तुम जरूरी पैकिंग कर लो एक दिन ऑफिस से वापसी पर मैंने उससे कहा तो वो बुरी तरह चौंकी क्यों मेरा ख्याल है यही मुनासिब है यहाँ रहेंगे तो ये सब इसी तरह चलता रहेगा वहाँ रावेल नहीं होगी तो शायद तुम्हारा रवैया राबेल राबेल वो मेरी बात काट कर चिल्लाई क्यों नाम लेते हो तुम उसका मेरे सामने उसकी वजह से क्यों जाऊं मैं यहाँ से उसकी वजह से ना सही लेकिन मैं मैं अब मजीद इस मुल्क में नहीं रहना चाहता वैसे भी अब इसकी मजीद ज़रूरत नहीं है मैंने इंतहाई संजीदगी से कहा हाँ वहाँ तो टोकरे भरकर नोट जमा कर रखे होंगे तुम्हारे घर वालों ने क्या करोगे वहाँ सब कुछ तो तुम्हारी बहनों की शादी और घर पर लुटा दिया उन्होंने कुछ भी कर लूँगा बहरहाल तुम भूखी नहीं रहोगी लेकिन मैं वापस किसी कीमत पर नहीं जाऊँगी उसने साफ इनकार कर दिया लेकिन मैं जा रहा हूँ मैंने तय कर लिया है तुम्हारी मर्जी तुम यहाँ अकेली किस तरह रहोगी मैं उसकी अकल पर मातम करने के सिवाय और क्या कर सकता था तुमसे किसने कहा कि मैं अकेली रहूंगी वो इससे तजा हंसी मैं खामोशी से उसे देखता रहा तुम्हें जाना है जाओ मैं किसी कीमत पर यहाँ से नहीं जाऊंगी वो उठकर वहां से चली गई और मैं कितनी ही देर वहां तनहा बैठा सोचता रहा मोहब्बत इतनी बदसूरत भी होगी मुझे मालूम नहीं था दूसरे दिन ऑफिस से ऑफ होने के बाद मेरे कदम खुद खुदबा खुद राबेल की तरफ उठ गए वो काम खत्म करके उठने का ही इरादा कर रही थी मुझे देखकर चौंकी फिर उसने फौरी खुद को संभाल लिया अरशद आप सब खैरियत तो है ना हाँ बस यूं ही तुमसे मिलने को जी चाह रहा था मैं बस मुर्दगी से बोला तो वो कुछ लम्हों तक मुझे देखती रही चले रास्ते में बातें करेंगे मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ आंटी की तबीयत अब कैसी है कुछ ज्यादा ठीक नहीं ऑपरेशन तो ठीक हुआ था लेकिन डॉक्टर्स कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं दिलाते आज कितने दिनों बाद ऑफिस आई थी उसके चेहरे पर परेशानी और दुख के साए फैलने लगे फ़िक्र नहीं करो ठीक हो जाएंगी मैंने उसे तसली दी आप कुछ परेशान लग रहे हैं रिदा कैसी है उसने जैसे मेरा चेहरा पढ़ लिया था ठीक है मैंने टाला राबेल मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहता हूँ लेकिन रिदा बस वो मान जाए तो वापस उसकी आवाज़ कब कब आई आप वापस चले जाएंगे हाँ मुझे एक दिन तो वापस जाना था लेकिन रिदा वापस नहीं जाना चाहती बहरहाल देखो क्या होता है ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि आप वापस लौट जाएंगे वो अफसर्दगी से बोली वो मेरा असल है राबेल और फिर उस वक्त मुनासिब यही है मेरी बात पर वो खामोश रही हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चला कि उसकी मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है डॉक्टर्स ने मायूसी का इजहार किया तो वो वहीं कॉरिडोर में रखी कुर्सी पर बैठ गई हौसला रखो राबेल अल्लाह बेहतर करेगा मैंने उसे दी लेकिन शायद दुआओं का वक्त गुजर चुका था फिर तमाम जरूरी कार्रवाई को निपटाकर मैं आधी रात को घर लौटा तो रिदा सख्त कड़े देवरों के साथ मेरी मुंतजर थी अब भी वापस आने की क्या जरूरत थी जहां इतनी देर तक रहे वहीं रहना था प्लीज रीधा इस वक्त नहीं मैं सख्त थका हुआ हूँ क्यों उसकी सूरत देखने से थकन नहीं उतरी तुम्हारी मैं उसके साथ हॉस्पिटल में था उसकी मम्मा की डेथ हो गई है सुबह उनकी डेड बॉडी मिलेगी तदफ्फीन के इंतजाम करने हैं वो अकेली है इस वक्त मैं उसकी एक कोलीग के पास छोड़कर आया हूँ देखो रीता उसे इस वक्त मेरी और तुम्हारी जरूरत है मैंने बर्दाश्त और तहमुल से उसे समझाया क्यों दुनिया में तुम्हारे सिवा इसका कोई नहीं है कोई रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी वो सब कुछ सुनने के बाद भी तन से बाज ना आई पहली बार मुझे एहसास हुआ कि उसे पसंद करना उससे मोहब्बत करना उसका इंतजार और फिर शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी मैं तुम्हारी इन बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता इस वक्त मैं वहाँ से हट कर अंदर चला आया फिर दो एक दिन फिर दो एक दिन तक रिदा से इस मामले में बिल्कुल नहीं उलझा मेरे कहने के बावजूद वो राबेल से मिलने नहीं गई और तीसरे दिन जब राबेल कुछ नॉर्मल हालत में आई तो मैंने स्कूल का सांस लिया लेकिन रिदा इन तीन दिनों में मुझसे और दूर चली गई मैं वापस जाने की वजह से अपने सारे जरूरी काम निपटा रहा था रिता को राजी करने का काम फिल वक्त सबसे जरूरी था और वापसी के लिए किसी तरह तैयार नहीं थी यूं मैंने जब उससे फिर बात की तो उसका जवाब सुनकर मैं यकीन ना करने किसी कैफियत में कितनी ही देर उसे देखता रहा उसने मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया था क्या कहा तुमने मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था हाँ नहीं जाना मुझे पाकिस्तान वापस और ना तुम्हारे साथ रहना है तुम दोगले झूठे और बेईमान हो मेरे साथ जिंदगी गुजारो और दिलो दिमाग में कोई और हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती उसकी आंखों में अजनबियत थी मैं इस सिलसिले में तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ और इसी वजह से मैंने वापसी का इरादा किया है देखो रिदा जो कुछ तुम समझती रही हो वो गलत है अहमद ने तुम्हें गलत समझाया है राबेल महज मेरी दोस्त थी मैं यहाँ रहकर भी तुम्हारे लिए हर बुरी शहर हर बुरी सोहबत से बचता रहा मैं उसके दोनों हाथ थाम आसानी से उसे समझाने लगा जानती हूँ वो तंजिया हंसी ये कहानियाँ तो तुम पहले भी कई बार सुना चुके हो लेकिन प्लीज़ अब बहुत हो चुका तुम मुझे आज़ाद कर दो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती न यहाँ न वहाँ और तुम कैसे रहोगी यहाँ तनहा मैं शादी कर रही हूँ अहमद के साथ उसने गोया मेरे सर पर धमाका कर डाला रीता, इससे आगे मेरे मुँह से कुछ ना निकल सका हाँ मुझे तलाक चाहिए तुम भी आराम से राबेल से शादी कर सक कर सकते हो मुझे नहीं करनी किसी से शादी एक शादी ने ही मुझे बहुत सुख पहुँचाया है पहुँचाया है लेकिन तुम खुदा के लिए मुझे मत मैं समझाओ मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है अहमद बहुत अच्छा शख्स है मुखलिस हम दर्द और ईमानदार उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया अपनी दोस्तियां अपनी दिलचस्पियाँ अपनी पिछली जिंदगी अब तुम तो उसकी बुराइयां करने न बैठ जाना वो मुझे पहले ही सब कुछ बता चुका है उसने वादा किया है कि आइंदा वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा तो ये नतीजा निकलना था इस मोहब्बत की शादी का तुम अच्छी तरह सोच समझ कर ये फैसला कर रही हो मैं जान गया था कि वह अब सोचने समझने की हद से गुजर चुकी है क्योंकि एक शादी छुदा औरत जब बे राह की राह पर चल निकले तो वह अपने शोर की मौजूदगी में गैर गैरमरसी अहदों पर मां बांधे तो उसकी वापसी मुमकिन नहीं होती हाँ मैंने हर तरह से सोच लिया है अपने घर वालों से क्या कहोगी ये मेरा मसला है तुम इस सिलसिले में परेशान मत हो जितनी जल्दी हो सके ये काम कर डालो वह सब कुछ सोचा बैठी थी क्या तुम्हें कभी भी मुझसे वाकई मोहब्बत नहीं थी मेरा जी चाह उससे पूछू लेकिन अब मेरा उससे कोई बात करने को जी नहीं चाह रहा था ठीक है मैं उठ गया लगा जैसे वो पीछे से आकर मुझे रोक लेगी कहेगी मैं तुम्हें जलाने के लिए गुस्से में ये सब कह रही थी कहीं मैं तुमसे अलहदा होने का सोच भी सकती हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यूं मोहब्बत की यह कहानी झूठे शक की बिना पर ख़त्म हो गई मैं भी मैं जब भी वापसी का इरादा करता है ख्याल मुझे रोक देता कि घर वालों को क्या बताऊँगा जिसे मैंने अपनी खुशी से अपनाया था वो यूँ मुझे छोड़ गई और मेरे तमाम इरादे दम तोड़ जाते जाने क्यों रिदा के चले जाने के बाद मैं एक मरतबा फिर राबेल से मिलने ना जा सका ना ही मैंने उसे कुछ बताया वो खुद तो मुझसे मिल मिलना पहले ही तर कर चुकी थी एक रोज़ उसी जगह जहाँ हम पहली बार मिले थे वो मुझे मिल गई पॉपकॉर्न की थैली उसके हाथ में थी और वो बत्तखों को एक एक करके पॉपकॉर्न डाल रही थी मुझे देख कर चौंकी फिर हल्के से मुस्करा कर फिर से बत्तखों की जानी मुतवजा हो गई मुझे झंझलाहट महसूस होने लगी कुछ देर बाद ही जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ मैं उसके पास से गुजर कर जा ही रहा था कि उसने मुझे पुकार लिया क्या बात है अशद आप अकेले रिदा कहाँ है वो चली गई है मैंने इंतहाई संजीदगी से कहकर उसका चेहरे को देखने लगा कहाँ पाकिस्तान मिलने गई है वो यही है शिकागो में उसने अभी चार दिन पहले अमर से शादी की है मेरे पास से वो काफी दिनों पहले चली गई थी क्या कहा आपने वो हैरान रह गई हाँ मेरे चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई उसका ख्याल था कि खैर छोड़ो मेरा कसूर ज्यादा है शायद मैं उसे खुश ना रख सका उसे वो यकीन ना दे सका जो एक बीवी को चाहिए होता है फिर अर्द्दवाजी ज़िंदगी के लिए एक दूसरे पर भरोसा और यकीन करना सबसे ज़रूरी होता है हमारे दिन हमारे दरमियान पहले दिन से ही वो मौजूद ना था लेकिन क्यों वो तो आपसे बेहद मोहब्बत करती थी। नहीं वो तो नहीं करती थी वरना यूं इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला बहुत मुश्किल बात है उसे शायद एक अच्छे साथी की तलाश थी जिसका फ्यूचर ब्राइट हो और जो उसे एक बेहतर ज़िंदगी दे सके पाकिस्तान से बाहर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में ज़िंदगी गुजारना उसका ख्वाब था मैं नहीं मैं उसे वो सब ना दे सका उसे मुझसे ज़्यादा अच्छा शख्स मिल गया या फिर शायद मैं ही उसे वो यकीन ना दे सका जो एक बीवी चाहती है वो बजमर्दगी से कह रहा था लेकिन आप तो खैर भूल जाए उसकी मखसूस हमदर्दी क्या भूलना इतना है? शायद नहीं। लेकिन है यही जिंदगी है हाँ ठीक कहा तुमने मैंने गोया हार मान ली अच्छा चलती हूँ वो जाने लगी मैंने उसे जाते देखा मैं उसे रोकना चाहता था लेकिन तरह तो रहा के को यकीन मिल जाता नहीं मैं उसकी सोच को सच साबित नहीं होने दूंगा लेकिन मैं सोचता रहा लेकिन उसके शक को जुटलाने के लिए मैं अपनी जिंदगी को एक अच्छी दोस्त से मे... दोस्त से महरूम क्यों करूं? मुझे भी एक पुरस्कून ज़िंदगी गुजारने का हक़ है ज़िंदगी कोई एक दिन की कहानी नहीं सालों पर मुहित होती है और अगर यह कोई फिल्म या अफसाना होता तो शायद लेकिन यह मेरी ज़िंदगी है मैंने फोरी फैसला कर लिया और आभेल को आवाज़ दे डाली मेरी आवाज़ पर पलट उसने देखा उसकी आंखों में बेयकनी किसी कैफियत थी जैसे उसे मेरे चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट का यकीन ना आ रहा हो क्या तुम मेरे साथ पाकिस्तान चलोगी मैंने पहली बार उसका हाथ थामते हुए पूछा उसके हाथों की कप कपाहट और नरमी ने मुझे सब कुछ समझा दिया लेकिन उसके होंठों से सुनना चाहता था क्या तुम नहीं जानते उसकी आंखों ने शिकवा किया जानता हूँ जानता था लेकिन शायद सब कुछ इस तरह होना था मैंने आहिंदगी से जवाब दिया कहीं मेरी वजह से तो वो असुर्दा हो गई नहीं कोई किसी की वजह से नहीं जाता सब अपने लिए सोचते हैं मैं भी अपने लिए सोच रहा हूँ बोलो तुम ऐसा आ, बोलो तुम तो ऐसा नहीं चाहती कि मैं यहीं अमेरिका में रहूँ नहीं उसने सर हिलाया मेरे लिए सबसे ज़्यादा आपकी ज़ात अहम है आप कहीं भी रहें कहीं भी रखें और उसका पहला इतराफ़ मेरे दिल में सुकून बनकर उतर गया